बचपन में हम सब ही जब रात को सोने के टाइम लेटा करते थे तो अमूमन नानी या दादी बराबर में लेटा हुआ करती थी। दिन भर की बातें करने के बाद अक्सर वो हमें कहानियां सुनाया करती थी। कभी परियों की कहानी, कभी एक जादूगर की कहानी। हमेशा उन कहानियों के इख्तिताम में एक अच्छा सा पैगाम जरूर मिलता था कि जो कुछ भी हो इस दुनिया में आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन शायद ये बातें और ये किस्से, ये कहानियां सिर्फ उस ज़माने में या नानियाँ और दादियों की ही ज़बान से सच लगती थी, क्योंकि उसके बरक्स हमेशा देखा गया। जहाँ सोचा कि इस दुनिया में अच्छा होगा, हमेशा उसका उलट ही हुआ। आप सब ने ही किसी न किसी टाइम पे अपने किसी न किसी बड़े से ये ज़रूर सुना होगा कि ये दुनिया जो दिखती है वो है नहीं। शायद ये बात दुरुस्त है। शायद जिस चीज़ को आप अभी देख रहे हैं वो हकीकत ना हो। (1898) में लेक मिशिगन के करीबी इलाके में, जहां शदीद बर्फबारी पड़ती थी, दिसंबर के महीने में एक फैमिली ने एक बिजनेस आइडिया सोचा। ये बिजनेस आइडिया था कि वहाँ के करीबी जो पाइन ट्रीज थे उनको काट के, उनको शिप करके शिकागो और बड़े शहर जो करीब करीब थे उधर तक पहुँचाया जाए। लेकिन पैसे ना होने की वजह से उस फैमिली को अपना ख्वाब टूटता हुआ दिखा, तो उन्होंने उसी इलाके के करीब इस आइडिया को बेचना शुरू किया और देखते ही देखते वो कारोबार उनका चल पड़ा। और फिर वो टाइम भी आ गया जब उस फैमिली ने एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज़ ख़रीदा ताकि उस पे सारा सामान रख के वो शिकागो और उस वक्त के जो भी बड़े बड़े शहर थे अमेरिका के, उधर वो जाके उन दरख्तों को बेचें जो कि क्रिसमस ट्री के तौर पे इस्तेमाल होते थे। अब जिस समंदरी रूट से उनको जाना था वो इंतहाई ख़तरनाक रूट था। उस लेक मिशिगन से जो एरिया कनेक्ट होता था, उस ज़माने में भी वहाँ पे कई सारी ऐसी कहानियाँ थीं, ऐसे किस्से थे, ऐसी मिथ्स थीं जिससे लोग डरा करते थे। जैसे सी मॉन्स्टर का एक तस्वर उस ज़माने में निकला, फिर कई सारी कश्तियाँ डूब गईं जो कि मिली नहीं, बड़े बड़े जहाज़ वहाँ गायब हो जाते, ना तो उनका सामान मिलता, ना लोग मिलते, ना डेड बॉडीज मिलती, और वजह भी नहीं पता चल पाती कि आखिरकार उन जहाज़ों के साथ आखिर हुआ क्या। और वक्त के साथ साथ ये कहानियाँ एक डरावनी वाक़यात में बदलना शुरू हो गए। लोगों ने उस रूट पे जाना ही छोड़ दिया। जब इस फैमिली के पास एक बहुत बड़ा बहरी जहाज आया तो उन्होंने ये समझा कि अपने पैसे बचाएं और हम बड़े रूट के अलावा इस शॉर्ट रूट से भी शिकागो पहुंचा जा सकता है। काफ़ी करीबी रहने वाले लोगों ने उनको मोहताज भी रहने को कहा, मना भी किया कि उस जगह से मत गुज़रना, वो बदकिस्मत लोगों की जगह है, जो भी उधर से गुजरता है या तो वो मर जाता है या गायब हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये समझा कि शायद हमारी किस्मत अच्छी होगी। 1898 में ये बिज़नेस शुरू हुआ जो कि एक छोटा सा बिज़नेस था, और बढ़ते 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 1920s में उन्होंने इस बात पे डिसाइड कर लिया कि अब हम सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में अपने ये दरख्त बेचेंगे, और शायद वो ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। टेंथ दिसंबर की शाम को, 15 दिन पहले क्रिसमस से, एक जहाज़ तकरीबन 3-4 हज़ार दरख्तों से लोड किया जाता है, और 10 लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी उस जहाज़ में बैठती है और सेल करती है टूवर्ड्स शिकागो। तकरीबन 2 या ढाई दिन का ये सफ़र था। बदकिस्मती ये थी कि उस समंदर में अजीब व गरीब नौइयत के तूफान आते थे। एक तो सर्दी, ऊपर से बर्फ, और फिर समंदरी तूफान। शुरू के 5-6 ट्रिप्स तो बड़े आसानी से लग गए, जिसपे उनको लगा कि शायद लोगों ने ये झूठे किस्से कहानियां बनाए हुए इस समंदरी रूट के। और जैसे जैसे ट्रिप्स कंप्लीट होते गए, प्रॉफिट बढ़ता गया, सेल्स बढ़ती गई, उनका भी कॉन्फिडेंस इस बात पे बढ़ना शुरू हो गया कि शायद कोई और वजह है जिसकी वजह से लोगों ने इस रूट को बदनाम किया हुआ है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ 1921 में वो एक और कंसाइनमेंट लेके 10 दिसंबर की शाम को निकलते हैं टूवर्ड्स शिकागो। और 10 दिसंबर 1921 वो तारीख थी जिसके बाद से उस शिप का कुछ पता ना चला। इस दौरान जब वो शिप बीच समंदर में पहुंच चुका था तो शदीद तूफ़ान आ गया, ऐसा तूफ़ान जिसको जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि शायद इस तूफ़ान की वजह से इस जहाज़ को बहुत तकलीफ़ या चोट पहुँचे, जिसकी वजह से फ़ौरन ही उस जहाज़ को उसी समंदर पे रोक दिया गया, ये समझ के कि शायद थोड़ी देर में ये तूफ़ान थम जाएगा और फिर हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो तूफ़ान ख़तरनाक होता गया और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उस शिप में मौजूद लोगों की ज़िंदा रहने की ख्वाहिश भी दम तोड़ती गई। अब सुनने में तो ये एक ऐसी नॉर्मल कहानी लगती है जिससे पता ये चलता है कि शायद तूफ़ान आया और जहाज़ डूब गया, ये वहाँ के रहने वालों का भी यही मानना था। लेकिन तकरीबन 10 दिसंबर के बाद एग्जैक्टली एक महीने के बाद जिस जगह पे वो जहाज़ जाके रुका था उसके करीबी इलाके में कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ रहा करती थी, एक छोटा सा टाउन होगा शायद। वहाँ पे बच्चे जो थे वो साहिल पे खेल रहे थे। जब उन्होंने नोटिस किया कि समंदर के साहिल पे क्रिसमस ट्रीज पड़े हुए हैं, उस ज़माने में क्रिसमस ट्रीज हर जगह से शिप नहीं होते थे, एक मखसूस इलाका जिसको अलाउ किया हुआ था कि आप वहाँ से दरख्त काट के बेच सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस जगह की अभी हम बात करें उधर ये फैसिलिटी नहीं थी, तो वहाँ के लोगों के लिए एक अजीब बात थी कि ये क्रिसमस ट्रीज साहिल समंदर पे कैसे आ रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने तो समंदर के बीचों बीच क्रिसमस ट्रीज को तैरते हुए देखा, लेकिन एक वाकया ऐसा था जिसको सुनने के बाद लोग हैरान हो गए, डाउट करने लग गए उस फलसफे पे जो उन्होंने कई महीनों तक ये बना लिया था कि शायद कश्ती डूब गई है तूफ़ान की वजह से। चंद बच्चे साहिल समंदर के कॉर्नर पे खेल रहे थे कि अचानक से उन्होंने फील हुआ कि समंदर के साहिल पे क्रिसमस ट्रीज आए हैं फ्लोट होते हुए। जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल ही क्रिसमस ट्रीज थे, थोड़ा सा समंदर की तरफ देखा तो समंदर के बीचों बीच भी कई सारे क्रिसमस ट्रीज थे। अभी वो ये सब चीज़ें देख ही रहे थे कि समंदर में मिस्ट के बीचों बीच, यानी कि धुंध के बीचों बीच उन्होंने फील किया कि एक जहाज़ गुजर रहा है। जब जहाज़ को गौर से देखा तो ये वही जहाज़ था जो 10 दिसंबर 2021 को लेक मिशिगन के उस पोर्ट से निकला था जो कि शिकागो जिसने जाना था। ये बच्चे फौरन भागते हुए अपने उसी इलाके के जो भी ATR या जो भी लाइट हाउस था उधर पहुंचते हैं, वहाँ पे मौजूद लोगों को इस बात का बताते हैं कि हमने उस जहाज़ को देखा है। वो फौरन आते हैं देखने के लिए बच्चों के साथ और उस वक्त तक वो जहाज़ गायब हो चुका होता है। उसके बाद से इस तरह के वाक़यात बढ़ना शुरू हो गए कि रात गए जो भी लोग साहिल के समंदर के करीब बैठे होते थे उनको अचानक से ऐसा महसूस होता था कि उस समंदर के सामने से कोई जहाज़ गुज़र रहा है। एक दफ़ा एक बहुत ही छोटी सी कश्ती जिसमें 2-4 लोग मौजूद थे जो कि मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, बीच समंदर में जब पहुंचते हैं तो अचानक से रात गए उनको एक बहुत बड़े जहाज़ की हॉर्न की आवाज़ आती है और वो आवाज़ इतनी क्लियर थी कि उस शख्स ने, जो उस वक्त कश्ती चला रहा था, फ़ौरन ही अपनी कश्ती मोड़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो जहाज़ आ रहा है उनके साथ उनकी टक्कर हो जाए। तकरीबन आधे घंटे तक वो इंतज़ार करता रहा। आवाज़ तो आती रही लेकिन पास में कोई जहाज़ नहीं था। तकरीबन 1971, ऑलमोस्ट 50 साल के बाद, एक डाइवर्स की टीम लेक मिशिगन और स्पेसिफिकली उस जगह पे किसी चीज़ की सर्च कर रही थी। तो उन्होंने नोट किया कि समंदर के बिल्कुल बेड पे कोई चीज़ रखी हुई है। जब वो उस गहरे समंदर की तरफ गए तो उन्होंने उसी शिप को वहाँ पे पाया जो कि अपनी उसी हालत में मौजूद थी जो 1921 में जब वो सेल करके जा रही थी। टिल डेट उस जहाज के साथ क्या हुआ, क्योंकि ना तो वो टूटा हुआ था, ना ही कोई एक्सीडेंट का निशान था, ना ही कोई क्रैक्स थे। डूबा तो कैसे डूबा, और अगर डूब भी गया तो उसमें जो 10 लोग मौजूद थे वो कहां गए। कहते हैं कि जितनी ये जमीन हमारे लिए मिस्टीरियस है, उससे कई ज्यादा गुना ये समंदर जो हमारे इर्द गिर्द है ये ज्यादा खौफनाक है। इसी तरह 1948 में बर्मुडा ट्रायंगल में कई सारे वाक़यात हुए, जिसमें सर-ए-फहरिस्त है फ्लाइट 19, जिसमें एयरफोर्स के जहाज़ किसी रेस्क्यू मिशन पे गए और ना तो जिस चीज़ को वो रेस्क्यू करना चाह रहे थे वो मिली, ना ही वो जहाज़ मिले। और उसके बाद कई सारे और मज़ीद वाक़यात हुए जिसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो एक काफ़ी मशहूर जगह बन गई डिसअपियरेंसेस के लिए। लेकिन इन्हीं बड़े बड़े वाक़यात में कुछ ऐसे वाक़यात भी थे जो इतने मशहूर नहीं हुए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। उसी में था एक और वाक़या जिसमें एक छोटा सा जहाज़ पोर्टो रिको के एयरपोर्ट्स पे लैंड करता है, उसमें से पैसेंजर्स उतर के जाते हैं और फिर जो को पायलट और पायलट होता है वो मज़ीद पैसेंजर्स के आने का वेट करते हैं कि अब जो भी पैसेंजर जहाज़ में चढ़ेंगे उनको हम वापस अमेरिका ले जाएंगे। इस दौरान जब जहाज़ लैंड करता है पोर्टो रिको के एयरपोर्ट पे तो वहाँ के मैकेनिक आ जाते हैं फ़ौरन। जो को पायलट था उसकी नॉलेज और उसकी बातें वहाँ के मौजूद मैकेनिक्स को समझ में भी आई, लेकिन जो मेन पायलट था वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट आदमी लगा उन सबको, क्योंकि बकौल उनके कि जब उन्होंने जहाज़ का मुआयना किया कि आया ये जहाज़ उड़ने के लायक है दोबारा के नहीं, तो उन्होंने ये नोट किया कि बैटरीज़ में जो पानी है उसकी मिकदार कम है और ये वजह जहाज़ की क्रैश होने की बन सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ौरन ही उस जहाज़ को उड़ने से रोक दिया। लेकिन टू देयर सरप्राइज़ जो पायलट था उसने इंसिस्ट करना शुरू किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जहाज़ की बैटरी चार्ज भी हो सकती है, पानी भरा भी जा सकता है और हम मुश्किल से 1 या 2 घंटे का वक्फा लेके दोबारा से जहाज़ को उड़ा सकते हैं। खैर बीच में बहस मुबाहिस बहुत हुए और ये डिसाइड हुआ कि पानी डाल के बैटरीज़ में उसको फिक्स करके जहाज़ को सही करके 1 घंटे के लिए हम इसी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 15-20 मिनट के लिए जहाज़ को उड़ाया जाए ताकि फिर चेक किया जाए कि आया वो बैटरी सही है कि नहीं। इस बात पे पायलट मान जाता है, दोनों पायलट्स बैठते हैं, मैकेनिक्स उस बैटरी को सही करते हैं जहाज़ की और उनको सिग्नल देते हैं कि अब आप उड़ सकते हैं। वो उड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं पूरे उस एयरपोर्ट का और वापस लैंड करते हैं ये बोल के कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो बैटरी है वो शायद थोड़ी सी वीक है और उसको चार्ज होने में टाइम लगेगा। लेकिन वो पायलट एक अलग ही टेंजेंट में सोचा था। उसने कहा कि नहीं, ये जहाज़ उड़ते उड़ते बैटरीज भी चार्ज हो जाएंगी और जिधर तक हमें जाना है उधर तक ये जहाज़ सेफ है। खैर, उस जहाज़ में तकरीबन 38 to 40 पैसेंजर्स बैठाए जाते हैं और उस जहाज़ को रवाना कर दिया जाता है। तकरीबन 1-1.5 घंटे के फासले के बाद मियामी के एयरपोर्ट पे अचानक से इस जहाज़ के पायलट की मैसेजेस पहुंचना शुरू होते हैं कि हम लोग मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं, ग्राउंड स्टाफ ज़मीन पे पहुंच चुका होता है जहाज़ को रिसीव करने के लिए। लेकिन उस दिन से लेके आज तारीख तक वो जहाज़ ना तो लैंड हुआ, ना ही उसका कुछ पता चल सका। टिल डेट उस जहाज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो गया तो गया कहाँ। अगर क्रैश होता तो उसके बकियात मिल जाते, ऑयल मिल जाता, डिब्रीस मिल जाती। क्रैश करता तो पायलट्स की जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिल जाती। यहाँ तक कि क्रैश करते वक्त जो जहाज़ में पायलट्स बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं वो मौजूद जो ATR टावर था उधर वो सिग्नल्स मिल जाते। टिल डेट उस जहाज का क्या हुआ, कहाँ गया, उन 30 पैसेंजर्स का क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। इसी तरीके से बर्मुदा ट्रायंगल का एक और छोटा सा किस्सा है कि एक बिजनेसमैन एक अपनी बड़ी लग्जरियस याक्ट के साथ करीबी किसी साहिल की तरफ पहुंचता है। उसके साथ एक चर्च के फादर भी मौजूद होते हैं। ये दोनों उस जेटी पे पहुंच के वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, 1-2 दिन स्टे करके वापस अपने जहाज़ में बैठते हैं और अपने शहर की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही वो समंदर के बीचों बीच पहुँचते हैं तो वॉच टावर पे उस बंदे का वायरलेस सिग्नल आता है और वो कहता है कि मेरी बोट अचानक से बीच समंदर पर रुक गई है और शायद वो किसी चीज़ से टकराई है। किस चीज़ से टकराई है हमें नहीं मालूम और हमारी बोट का इंजन बंद हो गया है। कोई क्रैक्स नहीं पड़े हुए, कोई भी डेंट नहीं पड़ा हुआ कि ऐसा लगे कि जहाज़ सिंक कर रहा है। उस बंदे की वायरलेस नोट से जिस बंदे ने रिसीव की वो आवाज़ या पैगाम, बकौल उसके कि उसकी आवाज़ में घबराहट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई पैनिक मोड में नहीं था। सिर्फ उसने ये कहा कि हमारे रेस्क्यू के लिए किसी को भेज दें। उस कश्ती की ख़ास बात ये थी कि उस ज़माने की उसके अंदर सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। मतलब अगर इंजन बंद भी हो जाए पेट्रोल की वजह से तो वो इलेक्ट्रिकली चलाई जा सकती थी। मुश्किल से इस कॉल रिसीव करने के 10 मिनट के अंदर अंदर उस मखसूस जगह पे जो भी उसकी उन्होंने रीडिंग्स वहाँ पे नोट करवाई, वहाँ पे रेस्क्यू शिप पहुँचती है। लेकिन ना तो वहाँ जहाज़ होता है ना ही कोई बंदा होता है, सिर्फ एक खामोश समंदर। यहां तक कि जिस जगह पे वो जहाज जाके किसी चीज से लगता है जिसकी वजह से वो इंजन बंद होता है, वो भी कोई चीज वहां पे विजिबल नहीं थी। इस जहाज के बारे में फिर मुख्तसर और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज निकली। कहा यह जाता है कि जिस बिजनेसमैन का वो जहाज था, वो बिजनेसमैन असल में बैंकक्रप्ट हो चुका था। उसका करीबी शहर में बहुत होटल्स का काम था और देखते ही देखते उसके होटल्स जो काफ़ी तादाद में थे वो एक एक करके बंद होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से बैंकक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई। कई सारे उसके ऊपर कर्जे चढ़ गए और जब वो कर्जे पूरे ना कर सका तो लोगों का मानना यह है कि उसने अपनी एक फेक डेथ क्रिएट की ताकि लोगों को लगे कि वो मर गए। चलें, मान लिया कि किसी ने अपनी फेक डेथ रचाई पूरी, लेकिन उन फादर का क्या हुआ जो चर्च से उसके साथ उस सफ़र में मौजूद थे? बकौल वहाँ के करीबी लोगों के, जो फादर जिस चर्च से वो आए थे वो एक डिवोटेड क्रिश्चियन थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं था सिवाय इस बात के कि उन्होंने अपना मज़हब आगे बढ़ाना है। ना तो उनको पैसे की चाह थी, ना ही कोई लस्ट थी। तो अगर उस बंदे ने अपनी डेथ को फेक किया तो वो चर्च के फादर या तो उसके साथ इन्वॉल्व थे या फिर उसने उनको भी मार दिया। लेकिन टिल डेट ना तो उस शख्स की डेड बॉडी मिली, ना उन फादर की डेड बॉडी मिली, ना ही वो शिप मिली और ना ही वो मखसूस चीज़ मिली जिससे टकराने के बाद उस शिप के इंजन्स बंद हो गए थे। वेल, ये दुनिया काफ़ी स्ट्रेंज है। सुना होगा आपने, किसी पे यकीन नहीं करो, ये भी सुना होगा। शायद ये सारी बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, जो चीज़ हमें दिखती है हम उसको कहते हैं कि ये सच है, लेकिन उस सच के पीछे भी एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो शायद हमें अभी तो पता नहीं लेकिन वक्त आने पे पता जरूर चल जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि सब साथ खैरियत से हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइए, बताइए कि हमारा प्रोग्राम आप लोग कौन से शहर, कौन से मुल्क से सुन रहे हैं। अपने पैगामात आप लोग चाहें तो फेसबुक या फिर यूट्यूब की चैट पे भेज सकते हैं। प्रोग्राम के शुरुआत में हमने आपसे कुछ उस नौइयत के वाक़या शेयर किए जो कि इसी दुनिया में, इन्हीं समंदरों में जहाँ पे हम घूमने फिरने जाया करते हैं, जो कि फ़र्ज़ कीजिए कि अरेबियन सी है, जैसे वो उसका एक चेहरा तो हम कराची वालों को दिखता है, लेकिन उसका कई सारे चेहरे हैं जो मुख्तलिफ़ मुमालिक में दिखते हैं। उधर उनकी क्या सच्चाई है, क्या कहानी है, हमें नहीं मालूम। इसी तरीके से और भी कई सारे समंदर हैं और उन समंदरों की एक अलग ही कहानी है, अलग ही वाकयात हैं, अलग ही किस्से हैं। हमारा जो कराची का समंदर है उसकी भी अजीब व गरीब किस्से हैं। कभी अगर आप मछेरों के पास जाएं और उनसे बोलें कि हमें मछली पकड़ने जाना है, मछली का शिकार करना है, तो वो आपको ज़रूर लेके जाएंगे। और बीचों बीच समंदर पहुंचने के बाद जब थोड़ा सा आपको सब्र करना होता है मछली पकड़ने के लिए, तो फिर वो कहानियां शुरू करते हैं बताना। जैसे एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि एक 3-4 माहीगीर जो हैं वो रात गए मुबारक विलेज से मछली पकड़ने के लिए निकले, जो कि उनका बिजनेस था। जब वो बीच समंदर पे पहुंच गए 6-8 घंटे के सफ़र करने के बाद, तो उन्होंने अपना जाल बिछाना शुरू किया और फिर जब जाल वाल बिछा लिया तो फिर वो आराम से बैठ गए। फिर वो कहते हैं कि ऐसा हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। बताते हैं कि बीच समंदर में उनको एक औरत की गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई थी। अब याद रखिएगा, ये बीच समंदर में मौजूद हैं, कोई बिल्डिंग करीब में नहीं है। कहते हैं हमने पहले समझा कि शायद कोई हमारा वहम है, हवा की वजह से हो रहा है, या कोई बहुत ही बड़ी कोई शिप विप है करीब में, कोई जो है कुछ इस तरह का सोच लिया होगा उन्होंने। लेकिन कहते हैं कि वो आवाज़ मुस्तकिल हमारी कश्ती के करीब से ही आती रही। फिर कहते हैं कि फजर से पहले जब हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हुई, तो कहते हैं बीच समंदर से हमारी कश्ती से थोड़े से फासले पे उन्होंने देखा कि बीच समंदर में एक औरत खड़ी हुई है। अब ये वो बातें हैं जो आप जब उस जगह पे जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, तो वो आपको बताते हैं। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। वो फिर उसने बताया कि जब हमने गौर से देखा तो हमें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये बीच समंदर पे औरत कर क्या रही है, और वो भी पानी के ऊपर जैसे फ्लोट कर रही हो। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ पानी की हल्की हल्की सी आवाज, ऊपर चांद तारे, और इस सब के बीचों बीच थोड़े फासले पे एक औरत नजर आना जो कि गुनगुना रही है। कुछ इस नौइयत का होता है समंदर। अक्सर बड़े कहते हैं ना कि समंदर अनप्रेडिक्टेबल है, शायद बात दुरुस्त है ये। अभी तक हमने ज़मीन को इतना एक्सप्लोर कर लिया है, उसका 1% भी हमने समंदर को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। इंसान को मालूम ही नहीं है कि समंदर के नीचे क्या क्या मौजूद है। आप लोगों को मालूम है कि यूएफओस का एक ज़माने में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, 1930 से लेके 1970s तक। तो अमेरिका में इस बात पे डिबेट होती रही कि आया ये जो यूएफओ साइटिंग्स हो रही हैं सही है या नहीं। फिर उसके बाद ये बात इधर तक पहुंच गई कि ये यूएफओस दूसरी गैलेक्सीज़, दूसरे प्लैनेट से आते हैं। लेकिन 1980s में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आई, जब लोगों ने और जो भी उस रिसर्च के अंदर लोग मौजूद थे, उन्होंने ये नोटिस करना शुरू किया कि हो सकता है कि ये सारे यूएफओज बजाय दूसरे प्लैनेट से आने के समंदर से आ रहे हैं। क्योंकि एक बहुत मेजर वाकया पेश आया था जब लोगों ने मुझे एग्जैक्टली वो शहर का नाम याद नहीं अभी, एंड आई एम श्योर वो अमेरिका का ही शहर था। कि जब रात गए एक छोटे से टाउन ने ये विटनेस करना शुरू किया कि अजीब और गरीब एक्टिविटी हो रही है आसमान पे। मतलब एक मल्टीपल लोगों के साथ ऐसा हुआ कि एक कपल जो था वो बाहर से रात 11-12 बजे के करीब बाहर से वो निकले अपने घर आने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने एक बहुत फ्लैशी लाइट देखी आसमान की तरफ, क्योंकि वो बताते हैं कि जब हमने उसको गौर से देखा तो बाकायदा वो एक डिस्क नुमा शेप कोई चीज़ थी। उसी रात कुछ जवान लड़के अपनी छत पे बैठे हुए पार्टी कर रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ यही चीज़ नोटिस की और उस टाउन के और भी कई सारे लोगों ने इस तरह की चीज़ नोट की। फिर उसी टाउन के जो समंदर था उसमें एक नेवी का जहाज़ भी मौजूद था, उस जहाज़ ने भी यही चीज़ नोट की। बल्कि वो तो उन्होंने ये तक बताया कि हमारे जब जहाज़ बीच समंदर में मौजूद था तो हमने अचानक से ये नोट किया कि कोई चीज़ उनके रेडार पे आना शुरू हो गई, कि कोई चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही है। उस ज़माने में जंग का जो है वो बहुत ज़्यादा बाजा बजा हुआ था, जिसकी वजह से जो भी आर्मीज़ और जो भी डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो एक्टिव था। तो कहते हैं कि हम ये समझ रहे कि शायद कोई एयर स्ट्राइक होने वाली है, और हमने अपने सारे जो भी हमारे पास वेपन्स थे, लॉन्चर्स थे, हमने सब जो है वो ऑन कर लिए। यानी देखते ही देखते वो जो भी चीज़ थी वो फासला इतनी जल्दी ट्रैवल कर रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा जहाज़ आ गया दुनिया में जो इतने सेकंड्स में इतनी जल्दी अपना सफ़र कर रहा है। और ये अभी ये चीज़ें नोट ही कर रहे थे। कहते हैं कि हमने जब बाहर की तरफ देखा तो हमारी उस शिप को 4 जगहों से 4 मुख्तलिफ डिस्क नुमा चीज़ों ने घेरा हुआ था, और बाकायदा ऐसा लग रहा था कि कोई उसके अंदर बैठा हुआ इन सब लोगों को नोट कर रहा है। कहते हैं कि हमने ना राइट देखा ना लेफ़्ट, हमने फायर करना शुरू कर दिया। और इसी नेवी के जहाज़ में आई थिंक जहाज़ भी मौजूद थे। फिर उन्होंने टेक ऑफ किया ताकि वो जाके एयर कॉम्बैट कर सकें, और इस दौरान वो जो भी यूएफओज थे उन्होंने मूव करना शुरू किया। वो बताते हैं कि हमने पहली दफ़ा जब एक्सपीरियंस हुआ तो देखा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी मिली सेकेंड्स के अंदर वो यूएफओज ऊपर चले गए, और 2 जो थे वो राइट की तरफ चले गए। मतलब हर किसी ने अपना अलग डायरेक्शन ले लिया। और फिर वो कहते हैं कि हमारे जहाज़ ने जो इनको कवर करने की कोशिश की जो कि नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ उन्होंने नोट की कि बजाय वो यूएफओज आसमान पे जाके गायब हो जाते जो इससे पहले का कॉन्सेप्ट था, इस दफ़ा वो सारे समंदर के अंदर चले गए। उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट भी सामने आया और ये थ्योरी भी सामने आई कि ये यूएफओज शायद सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी दुनिया से नहीं आ रहे, बल्कि ये यहाँ पे हमारे समंदरों के अंदर भी मौजूद हैं। वेल, इतनी मिस्टीरियस है ये दुनिया, और हमें यानी इंसान को ये लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया है। खैर, आप लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। सैयद असलम साहब, वालेकुम अस्सलाम। आमिर फ़हीम, आपका भी शुक्रिया। अम्मार शाहिद, थैंक यू। रेहाना परवीन, थैंक यू सो मच। मुमताज़ आलम, आपका भी शुक्रिया। पाकिज़ा अली शाह, थैंक यू। तारिक जेडी, थैंक यू। तैयबा, आपका भी शुक्रिया। वारिस अली, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ोएब हसन हुसैन, थैंक यू सो मच। ज़ोएब अली जावेद, आपका भी शुक्रिया। ज़ीशान मुजाहिद, थैंक यू। बाकर जैदी, थैंक यू। इस्लाम नबी, थैंक यू। नवेरा, थैंक यू सो मच। एंड नीलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अली, थैंक यू। महाविश ज़ोएब, थैंक यू। सलमान, आपका भी शुक्रिया। आलिया, अदील, इन्फो, ताहा, हारिस, अनम, रईद अहमद, रुएद अहमद, थैंक यू। एंड शुएब, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने का। साइमा हसनैन, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। आपका भी शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट। खैर जनाब, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ आप लोगों को पसंद आया होगा। लास्ट जो हमने स्ट्रीम की थी जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से थी, उसको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का फीडबैक मिला, बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को नहीं अच्छा लगा, इट्स ऑल राइट, हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करने के लिए। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के दो तरीक़े हैं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हम अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं, वो हमें अपने वाक़यात ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा एक लिंक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग हमारी स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, वो लिंक हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर अपने साथ हुए वाक़या जो भी हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। वेलकम टू द लेट नाइट हॉर शो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जनाब, फर्स्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाक़या 2015 का है जब हम पूरी फाइनल ईयर बैच के स्टूडेंट्स ऑल पाकिस्तान ट्रिप पे गए थे। 6 अगस्त 2015 पे हम नारान कागान का स्केड्यूल बनाया। हम रात को 11 बजे नारान पहुंचे। एक होटल जो आबशार और ब्रिज के पास लकड़ियों का बना हुआ था, हमें वो होटल मिला। अब 6-6 के ग्रुप में सब अलग अलग कमरों में चले गए। हम 6 दोस्त चूँकि बहुत पुराने दोस्त थे, तो हमने सोचा कि हम फर्स्ट फ्लोर वाला कमरा लेते हैं, बाकी सब तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रुके हुए थे। तकरीबन रात 1 बजे का टाइम हुआ होगा तो मेरे दोस्त को सिगरेट की तलब हुई। उसने कहा कि आओ बाहर चलते हैं, सिगरेट पीते हैं। हम 6 सारे दोस्त एक साथ निकले। जब होटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो हमने देखा कि ड्राइवर जो था हमारा, वो कोने पे एक जगह पे बैठा हुआ है। हम अपनी मौज में निकल पड़े आगे। पुल क्रॉस करके एक बहुत छोटी सी चाय की दुकान थी, उसको खुलवाया, वहाँ से सिगरेट भी ली और चाय भी पी। अभी हम चाय पी रहे थे तो मेरा एक दोस्त ने कहा कि ड्राइवर चाचा आ रहे हैं, शायद उनको भी चाय पीनी हो। लेकिन जिस तरह वो चल रहे थे, मतलब उनके दोनों हाथ बिल्कुल आगे की तरफ ढीले हुए, तो वो कुछ अजीब सा हमें लगा। हमने सोचा शायद सफ़र की थकावट है। ड्राइवर दुकान से आगे सीधा चलते गए और हमने भी इग्नोर कर दिया। खैर, थोड़ी देर के बाद जब हमारी चाय वाय ख़त्म हो गई तो हम दोबारा अपने होटल की तरफ पहुँचे और जैसे ही हम होटल के मेन डोर पे पहुँचे तो हमने देखा कि वही ड्राइवर जो अभी थोड़ी देर पहले अजीब व गरीब तरीके से चलता हुआ हमारी उस चाय की दुकान के सामने से गुजरा है, वो उधर ही बैठा हुआ है। हमें थोड़ा अजीब लगा। मैंने दोस्तों को कहा कि अभी तो ये हमारे सामने दुकान से गए थे, तो ये अचानक यहाँ कैसे आ गए। मैं और एक दोस्त थोड़ा परेशान भी हुए। फिर दूसरे दोस्तों ने कहा कि शायद वो कोई और होगा, हमारा ही गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि ये ड्राइवर तो यहाँ बैठे हुए हैं। खैर, ये बात इग्नोर करके हम लोग रूम में चले गए। कमरे के अंदर हमने स्लीपिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह के मैट्रेसेस लगाए हुए थे कि सब लोग आराम से एक ही कमरे में सो जाएं। बाकी सब स्लीपिंग अरेंजमेंट ये था कि मैं मैट्रेस लगाए नीचे अकेला सो रहा था, बाकी सब बेड पे दो दो होकर सो रहे थे। अब हम सबको शरारत सूझी। हमने एक दूसरे को डराना शुरू किया। क्योंकि मैं लाइट के बटन के बहुत करीब था, तो जब किसी को डराना होता तो मैं जल्दी से लाइट फ्लिकर करके ऑन ऑफ करता और आवाज़ें निकालता। खैर, इसी मस्ती में तकरीबन रात के 3:30 बज गए और फिर हम सब सोने लगे। कुछ ही देर हुई थी तो सबको यूं फील हुआ कि लाइट फ्लिकर कर रही थी। तो एक दोस्त ने वहीं से तकिया उठा के मुझे मारा और कहा कि अब हरकतें करना बंद कर दो। मैंने कहा मैंने कोई हरकत नहीं की। खैर फिर 5 मिनट गुजरे, फिर से लाइट फ्लिकर हुई और फ्लिकर होते ही वो तकिया मुझे फिर आकर लगा। मैंने अपने दोस्त को बुरा भला कहते हुए कहा कि मैंने नहीं किया, इतनी ज़ोर से क्यों मार रहे हो। तो वो दोस्त उठ के बैठ गए कि हम में से किसी ने वो तकिया नहीं फेंका और हमारे पास कोई तकिया है भी नहीं, क्योंकि बचपन के दोस्त थे तो सबके एक्सप्रेशंस एक जैसे ही थे। मैं समझा ये लोग मिल के मुझे डरा रहे हैं। मैंने सबको कहा कि अपनी मिली भगत ख़त्म करो और सोने दो। अभी मैं बिस्तर पे दोबारा लेटने ही लगा था तो लाइट खुद बंद हो गई और देखते ही देखते कमरे का टीवी ऑन हो गया। ये अब सब के लिए अजीब था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि टीवी बिल्कुल सबकी रीच से बहुत दूर था। खैर फिर भी इग्नोर करके लाइट ऑफ करके सोने लगे। फिर मुझे यूं फील हुआ कि कोई मुझे मैट्रेस समेत हवा में उठा रहा है और फिर नीचे रख रहा है। फिर कोई गुदगुदी करता है। मैं वहाँ लेटे लेटे हंसते हुए दोस्तों को कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे सोने दो, मैट्रेस छोड़ दो। मुझे अभी तक ये लग रहा था कि शायद मेरे दोस्त मजाक कर रहे हैं और मैं कंटिन्यूसली हंसे जा रहा था और उनको मना भी किए जा रहा था। एक दोस्त ने कहा कि हम तो बिस्तर पे हैं, पर मैं वही हंसते हंसते उनको कहता जा रहा था कि हरकतें मत करो। सब दोस्तों ने मोबाइल लाइट से देखा तो मैं बिस्तर में एक ही वक्त में सोया भी हूँ और उसी वक्त बिस्तर के सहम के बैठा हुआ भी हूँ और मेरा मैट्रेस उनके बेड के लेवल तक ऊपर हो चुका है। तब वो सब ऐसे चीखे कि मैं एकदम से सीधा अलर्ट सा हो गया और जैसे किसी ने मुझे और मैट्रेस को छोड़ दिया हो, मैं जाके धड़ाम करके ज़मीन पे गिरा। अब सबकी हालत ख़राब। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे तो वो नहीं खुल रहा। खिड़कियां खोलते तो आबशार की आवाज़ आती। सिर्फ हम सब दुआएं दुरूद पढ़ने लगे और दरवाज़ा एकदम से खुल गया। हम चीखते ही जैसे ही नीचे टीचर्स के कमरे की तरफ भागे तो बिल्कुल लास्ट वाले कमरे से 5 दोस्त और भी भागते हुए आ रहे थे। बहुत ज़्यादा शोर हो चुका था सारे होटल में और जितने भी स्टूडेंट्स और स्टाफ थे सब आ गए। हमने अपना वाक़या टीचर्स को बताया तो जो लास्ट रूम वाले भाग के आए थे उनका भी वही हाल था। उनके मुताबिक कोई लड़की बार बार खिड़की से उनके नाम से उनको बुला रही थी और अगर जवाब देते तो वो अजीब सी आवाज़ में हंसती थी और जब लाइट जलाएं तो पूरे कमरे में खून ही खून लगा होता था। इन सब में ड्राइवर हमें कहीं नज़र नहीं आया। तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था। ड्राइवर को ढूंढ रहे थे हम तो हमें 1st फ्लोर वाले रूम से ड्राइवर चाचा की आवाज़ आने लगी। जब टीचर्स और स्टाफ ने वहां जाकर देखा तो ड्राइवर किसी को ना नज़र आने वाली चीज़ से लड़ रहा था। पढ़ते हैं फिर फूंकते हैं और गुस्से में किसी को डांट रहा था। अब टीचर्स ने भी दुआएं पढ़ना शुरू की। कुछ मिनट्स के बाद ड्राइवर रुक गया और होटल के रूम से बाहर आके दरवाजे पे आके बैठ गया और बताया कि इन सब लड़कों में 2 नापाक लड़के हैं और मैं नापाकी की हालत में किसी को यहाँ नहीं सोने दूंगी। फिर स्टाफ ने बताया कि यहाँ ये वाक़यात पहली बार हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए थे। ऑलराइट, ये कौन सा होटल है उसका नाम भी अगर आप मुझे बता दें। हालांकि मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि लोग आके होटल्स, अपार्टमेंट्स या जिस इलाके में वो लोग रह रहे हैं बस उसका एड्रेस ना बताएं, क्योंकि मुझे एक मेरी थ्योरी ये है कि हो सकता है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस घर में आप सब बैठे हुए हैं हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ फील कर रहे हो, लेकिन आपसे पहले जो लोग उस घर में रहते थे शायद उनको लगता हो कि उस घर में कोई मखलूक है। तो हो ये भी सकता है कि अक्सर हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि कोई घर, कोई मकान, कोई दुकान, कोई ज़मीन वो हॉन्टेड होती है। बहुत सारे केसेस में लोग, फैमिलीज, इंडिविजुअल्स भी हॉन्टेड होते हैं। ऑलराइट जनाब, चलें जी, हमने लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ये वो लिंक है जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस लिंक को हम लोग जो हैं वो पिन भी कर रहे हैं ताकि फेसबुक जो यूट्यूब पे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग हमारे अगर जब भी ज्वाइन इन करना चाहें वो कर सकें आराम से। साइमा हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद तालिब हुसैन रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो में अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग इंटरनेशनल हमारे जो इंटरनेशनल लिसनर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान में रह के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बआसानी, ईजी पैसा और जैज़ कैश के ज़रिए। ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर अपने सपोर्ट आप लोग भेज सकते हैं। चलें जी, अब आप तमाम लोग जो हैं वो हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन इन कर लीजिए ताकि हम एक एक करके आप सबसे कॉल पे बात कर सकें। फ़ारूक मुश्तबा हमारे साथ मौजूद हैं। एंड सबसे एक दफ़ा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप हमारे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी, उस पर देख लीजिएगा कि माइक ऑन है और कैमरा ऑन है। अगर चलें कैमरा आप ऑन नहीं करना चाह रहे कोई बात नहीं, लेकिन माइक ज़रूर ऑन हो ताकि आपकी आवाज़ आ सके। फ़ारूक को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, नोप। एम याया, मोहम्मद याया ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम याया, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, अच्छा जी। अनम, अस्सलाम वालेकुम अनम, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं भैया, इनकी भी आवाज़ नहीं आ रही। आए अरीब, अरीब की आई थिंक आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अरीब, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम मिराज भाई। वालेकुम अस्सलाम अरीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिराज भाई, आप बताएं खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। किधर से ज्वाइन किया आपने हमें? कराची से ज्वाइन किया मैंने। अच्छा जी, क्या वाकया अरीब? मिराज भाई कोई वाकया तो नहीं है, मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। मैं आप मुझे कल जिस तरह से हम आपका शो हुआ नहीं तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लिसनर्स को ये पता चल सके कि आज आप शो करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि कल भी मैं अच्छा खासा वेट करता था कि शायद लेट हो, शायद लेट हो, तो ऐसा कोई अगर प्लेटफॉर्म हो तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सबसे मेजर प्लेटफॉर्म तो यही है, वैसे यूट्यूब यहीं से पता चलता है। सेकेंडली इंस्टाग्राम, अगर आप सब फॉलो करना चाहें इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, वहाँ पे मैं कभी कभी बता देता हूँ कि आज शो होगा कि नहीं होगा। मतलब वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। चलें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, दानिश ने हमें ज्वाइन इन किया हुआ है। होपफुली दानिश की आवाज़ आ रही हो। दानिश को ये हमारी स्क्रीन जो है ना हमेशा अटक जाती है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, एक सेकंड रुकिए, ये एक नया मसला शुरू हुआ है कि स्क्रीन अटक जाती है अचानक से। एक सेकंड, ऑलराइट चलें जी। दानिश साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, आपको आवाज़ आ रही है? क्या रीज़न है यार ये क्यों नहीं होता? उस दिन भी हमने समझाया था शायद आप लोग की। खैर एक एक करके सबको ज्वाइन कर लेते हैं किसी ना किसी की तो आवाज़ आएगी भैया। सलमान साहब आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबकी आवाज़ नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? दिस इज़ वियर्ड। सबा को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, आपको आवाज़ आ रही है? सबा की भी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, फलक नाज, इनको शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फलक, किससे कॉल कर रही हैं आप? मैं लियारी से कॉल कर रही हूँ। मनाज भाई लियारी से कॉल कर रही हैं? जी क्या बात? जी मनाज भाई वाकया कुछ कज़न का है मेरे। मनाज भाई रिसेंटली अभी का ये नहीं है, कुछ साल पहले का ये वाकया है, लेकिन जब भी हम ये किसी को वाकया मतलब हमारे साथ जो हुआ है ये बताते हैं तो कोई यकीन नहीं करता है, उल्टा हंसने लगते हैं कि मजाक बनाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आप जस्ट कहानियाँ बना रहे हैं। अच्छा बताइए क्या वाकया? वाकया नाच पे इस तरह शुरू होता है कि मेरी हमारी कज़न थी, जैसे उनके पापा उनकी डेथ हो गई थी पेरेंट्स की, तो ममा पापा ने उन्हें हमारे साथ रखा था। तो हम लोग जब आपने सुना होगा जाती गांव है इंटर सिंध में, तो वहाँ हमारा जाना हुआ। तो अब जासी बात लंबा सफ़र था तो उन्हें जैसे रफ़ा हाजत के लिए जाना पड़ा, तो वहाँ पे बस रुकवाई गई और जैसे कुछ लेडीज थी वो मतलब वहाँ पे गई, तो क्योंकि अब अंधेरा था, रात का टाइम था, आधी रात का टाइम था, पता नहीं था कि बस कहाँ रुकी, रखना कहाँ, करना क्या है। तो उनसे गलती ये होगी कि वो वहाँ पे नमाज जैसे कुछ वहाँ बुज़ुर्ग थे वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, तो जैसे उन पे कुछ गंदगी चली गई जिसकी वजह से ये वहाँ से सारे मसाइल शुरू हो गए। नॉर्मली तो हमें पता नहीं चला था ये स्टार्ट ना सेवा पहले वहाँ पे शादी सबने अटेंड की। वहाँ पे जब गए वहाँ पे तो कज़न के साथ ये हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया और मतलब वो कहती थी कि मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मुझे अजीब सी वोमिटिंग आ रही है, ये वो, मतलब उनकी तबीयत ख़राब से ख़राब हुई। तो हम जैसे तैसे शादी अटेंड करके अगेन कराची आ गए। कराची आने के बाद हुआ कि जैसे घर में शाम के वक्त, स्पेशली शाम के वक्त उन्हें ना बहुत अजीब से दौरे पड़ते हैं, वो खामोशी से बैठ जाते हैं एक जगह पे कोने पे, या फिर है ना वो ये होता कि वो कहते हैं ना वो खाना ना खाना, चिल्लाना, मतलब आहिस्ते आहिस्ते उनका चिल्लाना शुरू हो गया, उनका हम पे चीखना शुरू हो गया। फिर वो इस यह है कि वो उन्हें दौरे पड़ने लगे। और ये होता कि जब रात को सब सो जाते तो रात के वक्त जैसे सब सो जाते तो रात के वक्त 3 बजे करीब हमारे ऊपर छत है ये वहाँ चली जाती थी और बस वहाँ एक कोने पर बैठी रहती थी। और इतफाक से होता था जी, बस वहाँ कोने पे बिल्कुल साइलेंट लेके बैठी होती थी, कोई बात कुछ भी नहीं। और वो क्या बाल खोल के एक वहाँ पर, और ऐसा लगता था जैसे बाकायदा वो अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रही हूँ, किसी बात कर रही हूँ, किसी को कुछ जवाब दे रही हूँ। कभी कभी ये भी होता कि वो जवाब दे देते, ऐसा लगता है जैसे वो चीखने लगती थी, जैसे हिजियानी अंदाज में वो चीखने लगती थी और फिर वो खामोश हो जाती। ये इस तरह हो रहा था, मतलब ये जो बातें थी इनका ऊपर जाना और उनका चीखना, ये जस्ट अभी तक क्लास सब घर वालों की नज़रों में नहीं आया था। जैसे मैं और मेरे भाई को पता था कि ये इनके साथ ये मसला है और हम उन्हें खामोशी से नीचे लेके आ जाते थे। 4 बजे साढ़े 4 बजे वो खुद ही साइलेंट हो जाती थी और हम उन्हें नीचे ले आते थे। ये इनका समझिए 2-3 महीने तक चलता रहा। इसके बाद में ये होना, अब इनके इन दौरों में शिद्दत आने लगी। पहले वो जस्ट 3 बजे जाती थी, 4:30 तक आ रही थी। अब ये होता था कि वो 2 बजे जा रही है, 1:30 पे जा रही है, इस तरह वो जाती ऊपर और 5 बज जाते वो ऊपर इस तरह बैठी हुई कोने में। और बाकायदा उनके इस तरह होने लगा थे हालात के वो हमसे कलाम नहीं करती थी। कभी कभी उनके जिस्मों पे जैसे खरोचने के निशान और काटने के निशान ये सब वहाँ पाए जाते थे हमें, और हम ये बात अपने बड़ों को नहीं बताते थे कि बड़े मजाक उड़ाएंगे, ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो। ये सारी चीज़ें रात के वक्त नहीं, दोपहर में, शाम में इतना ज़्यादा नहीं पी होता था। एक दफ़ा ये हुआ कि सिस्टर लेटी हुई थी, जोहर का वक्त हो चुका, यानी 3 बजे का सबका टाइम होगा दोपहर के वक्त। वो लेटी हुई थी और इतने चीख मारी वो उठी है, ना सिर्फ उठी, उन्होंने बाकायदा मम्मा का गला दबा दिया, यूँ गला दबाने लगी, बस वो उठी, जंप मार के उठी और मम्मा का गला दबाने लगी। और इतने प्रेशर से वो गला दबा रही थी कि अम्मी हम उन्हें मतलब मैं ही थी घर में, तो हम उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनको गला दबाए जाने अम्मी का। और फिर बस दबाते दबाते वो हंसने लगी। अब अब्बू को, भाई को फ़ोन करके बुलाया तो वो आए, उन्होंने जैसे उस अम्मी की तबीयत खराब होने लगी थी, अब्बू आए, भाई आए, उन्होंने उसको जैसे हटाया अम्मी से और एक साइड पे बिठाया, लेकिन वो बार बार अम्मी को मारे जाए और एक ही जुमला कह रही हैं कि मैंने मार देना है इसको, मैंने इसको मार देना। अब इनके जो असर थे वो निकलना शुरू, फिर वो अब्बू पे चिखने लगी और वो अब्बू को और भाई को है ना मतलब हटा नहीं रही थी बल्कि काट रही थी, और इतना प्रेशर से काट रही थी कि वो निशान बाकायदा उनके हाथों पे पड़ रहे थे। और अब्बू ने फिर भाई गए मौलवी वगैरह को बाकी मौलवी ने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसे हो जाते, कोई चीज झपट गई होगी इनकी, वो बोल के चले गए। फिर क्या हुआ, वो बाकायदा मनाज भाई वो उठी और जैसे वॉशरूम गई और जो गंदगी होती है, जो वहाँ पे गंदगी होती है वो अपने जिस्म पे मलने लगी, अपने जिस्म पे उन्होंने बिल्कुल वो गंदगी मल दी। और यू नो अजीब से हरकतें, आवाज़ें निकालने लगी कि अब कोई है तो आओ मेरे पास, अब कोई है तो मुझे बताओ। उनकी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ही वो चलती रह रही थी। और वहाँ पे जो मौलवी थे वो खुद भी हैरान हो गई अचानक से इन्हें क्या हो गया। और वो नाचे बाकायदा ऐसा नहीं आवाज़ बदल जाती, वो उर्दू अपनी बोल रहे थे ना इंग्लिश बोल रहे थे, वो कोई और ही जबान बोल रहे थे जो हमारी समझ में नहीं आ रही थी, नॉर्मली हमें समझ ही नहीं आई थी वो क्या बोलना चाह रही है हमें। फिर वो बिल्कुल वॉशरूम वाली साइड पे बैठ गई और उन्होंने कहा कि मैं थी पाक, मतलब मैं था पाक, मगर तुम मुझे नापाक कर चुके हो। उन्होंने ये जैसे जो मौलवी थे उन्होंने कहा ये मुझे इतना ही समझ में आया बस। इसके बाद मनाज भाई फिर हम लोग फिर हमने कोई भाई वगैरह को पता चला तो उनकी कंडीशन खराब होने लगी। फलक आप एक सेकंड माइक से थोड़ा सा दूर हो जाए, आप फर बहुत कर रही है। जी मनाज भाई अब ठीक है जी? जी मनाज भाई अब मेरी आवाज आपको सही तरीके से आ रही है ना? जी बहुत अच्छी जबरदस्त आ रही है, वाकया बताइए, कंटिन्यू कीजिए। जी मनाज भाई फिर ये हुआ कि सिस्टर के मतलब मौलवी साहब मतलब भाई किसी को और को लेकर आए, लेकिन और को लेकर तो उन्होंने ये बात जैसे बताई कि उनको घर में पढ़ाया हुआ, तो उन्होंने कुछ फिलहाल तो हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर ये होने लगा मनाज भाई कि सिस्टर जब सब सो जाती है, हम इवन पता नहीं क्या होता था, अचानक से जब सब सो जाते रात के वक्त तो सिस्टर ऊपर जाती है, मनाज भाई वो इस हालत में होती थी कि उन्होंने ड्रेस नहीं पहना होता था, उनके मतलब बाल बिखरे होते थे, उन्हें लगता था कि बाकायदा कोई ने बहुत ज्यादा जिसने हम किसी को बहुत तशद्दुद करते हैं, मारते हैं बहुत ज्यादा, वो उनके जिस्मों पे वैसे निशान होते थे। फिर मेरी गलती ये भी कि मैंने इन हालात में देखा और मैं उनको खामोशी से ड्रेस बना के नीचे गई। मनाज भाई ये कंटिन्यूसली होने लगा इनके साथ, बहुत ज़्यादा उनके साथ होने लगा, कभी मार कभी क्या। और वो बाकायदा कहती थी कि फिर एक दफ़ा मतलब उनकी कंडीशन और उनको बहुत ज़्यादा दौरे भी पड़ने लगे थे, जो उनका चीखना गाली बकना इन सब का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर अचानक से मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है, जुम्मे का दिन था, नाचने ख्वाजा सराज होते हैं जैसे नॉर्मली हमारे लियारी में होते हैं कि जैसे पीर का दिन हो गया, जिमेरात के दिन हो गया, नॉर्मली जैसे आती हैं। तो नाचने वो नॉर्मली एक दिन था, जुम्मे का दिन था, एक ख्वाजा सराय जो हम नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं आता है, वो आया, उसने नॉक किया और उसने बोला कि तो बहन है ना मुझे कुछ पीने के लिए दो। तो मैं घर पे सिर्फ मैं थी और मेरी सिस्टर थी और कोई नहीं था, वो मैं गई पानी लेने के लिए, मेरे दरवाजा खुला हुआ था तो वो गई, वो अंदर आई और मेरी सिस्टर जो जहाँ बेड पर लेटी हुई थी उसके पास बैठ गई, क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत सही नहीं थी और वो मैंने उनको पट्टियाँ वगैरह की हुई थी, तो वो वहाँ पर उनके पास बैठ गई। उनके पास बैठने के बाद वो कुछ अजीब से अंदाज से हंस रही है, मतलब वो जो ख्वाजा सराय था उसका नाम नीली था, नीली मतलब हंस रही है, कभी उसको प्यार कर रही है, मुझे समझ में नहीं आया क्या था, मैं खुद शॉक्ड हो गई थी। तो उसने मतलब बहन को हाथ के ये बोला कि तुमने बहुत अजियत से लिए, अब वक्त आ गया कि तुम रुखसत हो जाओ, उसने ये बोला और कुछ भी पिए बगैर कुछ भी करे बगैर वो चली गई। और मतलब ये हो गया। इसके बाद 3 दिन के बाद फिर 3 दिन के बाद जब वो आई, दोपहर का वक्त था, 3 बज रहे होंगे, भाई भी थे, वो आई, उन्होंने नॉक किया और वो अपने साथ किसी और को भी लाई थी, अब पता नहीं वो कौन था, उनको वो लाई अंदर ब्लैक प्योर ब्लैक ड्रेस में अंकल थे, वो उनको लेकर आई। और सिस्टर जैसे वो इंटरव्यू मनाज भाई जैसे ना कोई बिल्ली चल रही होती है इस तरह अंदाज में, मतलब उन्होंने मेरी सिस्टर बिल्ली की तरह बनी है और बाकायदा वो अपने अम्मू से मुँह की आवाज़ें निकालती भी आई हैं। तो वो उससे पहले उन पर हमला करती, वो जो ख्वाजा सराय थे उन्होंने इसके ऊपर एक अजीब सी काली चादर खुद ही मतलब डाल दी, आई डोंट नो कहाँ से, मतलब उन्होंने डाल दी और उन्हें बांध के रख लिया। और ये कहा और कोई गोल दायरा वगैरह बनाया उन्होंने कहा कि हम उसी वक्त मतलब उस पीछे सब काम कर रहे हैं, स्पीड से वो बस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें क्या बोलते हैं, हमें बस है ना पढ़ाई करनी और आप लोग सब हमारे बीच में नहीं हो ना, हमें उन्होंने कुछ बोलने का मौका दिया ना कुछ, वो पढ़ाई करने लगे, सिस्टर चीखे जा रही हैं, किए जा रही हैं। मतलब सिस्टर कह रही कि अब तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई अच्छी जुबान में उनसे कह रही कि मुझे बस बख्श दो, मुझे छोड़ दो। फिर अचानक से एक घंटे दो घंटे बाद हमने अच्छा खासा टाइम किया, मगरिब के वक्त वो फारिग हुए और उन्होंने सिस्टर को एक साइड पे बिठा दिया, मतलब बेहोश हो चुकी थी सिस्टर। कहाँ पे बिठा दिया? वो जो गोल दायरा था ना उसके अंदर बिठा दिया, उसमें बिठा दिया बांध के। और सिस्टर से ये कहा, मतलब उन्होंने, मतलब वो तो बेहोश हो चुकी थी, हमसे ये कहा कि इनकी जो जिन्नात इन पे हावी हुआ, एक जिन्नात उन पे हावी हो गया है और ये रात के वक्त उनके साथ उनकी हम रिश्ते हुई है और ये उनको अजियत देते हैं और ये चाहते हैं कि ये उनके साथ चली जाए वहाँ पे। और इन्होंने जो इनके ऊपर जो गंदगी इन्होंने गिराई थी स्टार्टिंग में, जो गंदगी इन्होंने गिराई थी, इसी गंदगी को बदला लेने के लिए, उनकी जान लेने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरीके से वो हमारे साथ, मतलब ये सिस्टर उनके साथ चली जाए। मुनाज भाई, हमें नहीं पता था ऐसा कोई भी सीन था और वो एक ही जुमला बार बार कहते कि मतलब मैं जानती थी कि मेरी सिस्टर के साथ ये होता है और मैंने बताया नहीं। वो एक दुख था मुझे कि मैंने अपनी सिस्टर को, हाँ मैंने घर वालों को बता के गलती, मतलब सिस्टर की तबीयत अगेन उनके जाने के बाद और ज़्यादा ख़राब होने लगी और मतलब उन्होंने भाई को सिर्फ ये बोला कि अब तुम हमें अपनी बहन दे दो ताकि हम उसकी तबीयत ठीक कर सकें। अब भाई उनको लेकर चले गए हैं उनके पास और 2 हफ्ते हो गए वो अभी तक नहीं आई है। ये अभी रिसेंट आप बता रही हैं वाकया? जी बिनाज भाई, ये रिसेंट वाकया है, ये 1 साल से चला आ ही रहा था उनके साथ, मगर अब बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया था। तो भाई मतलब वो ख्वाजा सरा उनको लेकर गए, कहाँ लेके गए, किधर लेके गए, जब भी भाई से पूछते हैं तो भाई कहते हैं मुझसे इसके अलावा कुछ ना पूछो, बस ये समझ लो कि तुम्हारी बहन आज से मर गई है, बस वो एक ही जुमला कहते हैं। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, सभी लोग आपकी बहन के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। ऑलराइट, जिन लोगों को ये कॉल समझ में नहीं आई, ऑब्वियसली थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी उनकी आवाज़ में, तो जितना वाकया मुझे समझ में आया मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ कि उनकी बहन के साथ ये लोग किसी जगह गए थे, मुझे उस जगह का नहीं पता, और वहाँ पे जाके उन्होंने वॉशरूम कर दिया और उसके बाद वो किसी शादी में गए थे। और फिर जब वो शादी में पहुँची इनकी बहन तो वो अजीब रिएक्शन दे रही थी, फिर वापस घर आ गए तो ये होने लगा कि रात को उनकी बहन जो है वो छत पे जाके एक मखसूस जगह पे बैठ जाती है और बातें करती है और ऐसा लगता है कि किसी से बातें कर रही है। और फिर ये बढ़ता गया वाकया और फिर ऐसा हो गया कि वो जो भी चीज़ थी, वो मखलूक थी, वो सामने आना शुरू हो गई। फिर बताती हैं कि बीच में ख्वाजा सरा जो है वो किसी दिन इनके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और ये बीच का वाकया मुझे भी क्लियर नहीं था, आई एम सो सॉरी। लेकिन एंड ये हुआ कि वो ख्वाजा सरा ने अचानक से जब उस बच्ची को देखा, इनकी बहन को देखा, तो उनको कुछ लगा कि इसके साथ कोई गड़बड़ है और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और एक गोल दायरा बनाया, उस गोल दायरा के अंदर उस लड़की को बिठाया। और फिर जब पढ़ाई ख़त्म हो गई और उनको लगा कि अब ये लड़की सही हो गई है, तो शायद दोबारा से वही चीज़ अटैक होना शुरू हुई और इस दफ़ा वो जो भी मखलूक थी वो सामने आ गई और उसने बोला कि मैं तुम्हारी बहन को ले जाऊंगा, जिस पे शायद इनके भाई ने फ़ौरन ही उस लड़की को, इनकी बहन को या इनकी जो भी कज़न थी उनको उठाया और वो उनके आस्ताने पे ले गए जो ख्वाजा सरा का था। ये टिल आज की बात है। वो कहती हैं कि वो वहीं हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारी बहन का क्या हुआ, किधर गई। जब भी भाई से पूछते हैं तो वो कहता है कि ये समझो कि तुम्हारी बहन मर गई है। इंशाल्लाह ताला आपकी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, फलक फिक्र नहीं करेगा, जल्द वो वापस लौटेंगी। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, होपफुली मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम दानिश, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही दानिश, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, रेफरेंस टू लास्ट ईमेल अबाउट माई फ्रेंड हु वाज़न्ट रियली माई फ्रेंड, दिस स्टोरी इज़ अबाउट माई फर्स्ट इनकाउंटर विद द शेप शिफ्टर। This email is long and detailed, but I hope you and your audience will find it interesting. As always, do not mention my name and the name of the institution. Minor structural description will be changed to avoid accountability. सही है। अच्छा जी, ये वाकया तब का है जब मेरी हाउस जॉब चल रही थी। अभी 5 महीने ही हुए थे। एक दिन हमारी शिफ्ट ज़्यादा लंबी हो गई। कोविड के दिन थे और कब सुबह होती थी कब रात उसका हिसाब ना था। खैर, उस दिन हम किसी मुआवजे से रात 1 बजे तक फ्री हो गए। अपना सामान पैक करके निकल रहे थे। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे जिसको मैं पिक एंड ड्रॉप देता था ऑल्टरनेट डेज पे। हम एक्सीडेंट और इमरजेंसी वार्ड में थे। लेट काम करने से भूख लगी तो सोचा ओपीडी की कैंटीन पे जाके कुछ खा लेते हैं। ओपीडी बिल्डिंग एक्सीडेंट और इमरजेंसी के साथ ही कुछ कदमों के दूर पे थी। मैंने अपने दोस्त आशिर से कहा कि तुम काम ख़त्म करके पार्किंग से कार ले आओ, मैं इतनी देर कैंटीन से आता हूँ। मुझे किसी काम से हाउस ऑफिसर ने बुला लिया तो वो करने में कुछ टाइम लग गया। फ्री होके ओपीडी की कैंटीन चला गया। बिल्डिंग की 2 एंट्रेंस हैं। एक ऊपर से आते हैं मेन पार्किंग के साथ जब हॉस्पिटल में एंटर होते हैं। सेकंड एंट्रेंस ओपीडी बिल्डिंग की बेसमेंट से है और शाम के बाद वही एंट्री एग्जिट पॉइंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सारी बिल्डिंग सील हो जाती है। शाम 6 बजे के बाद ओपीडी टाइम ख़त्म हो जाता था। सिर्फ बेसमेंट में एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन रूम खुला होता था जो कि 24 घंटे खुला रहता था। बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स हैं और स्क्वायर शेप में बनी ओपन कॉरिडोर्स के साथ है। लाइट्स सिर्फ बेसमेंट में ऑन होती थी जिससे थोड़ा बहुत ऊपर नज़र आता था। हर फ्लोर के कॉर्नर में एक छोटा बल्ब जलता है लेकिन उससे ज़्यादा नज़र नहीं आता, मतलब इतनी रोशनी नहीं होती। स्टेयर्स के साथ कैंटीन है। मैंने वहाँ चाय बिस्किट वगैरह लिया। बिल्डिंग के सेंटर में बैठने का एरिया बना हुआ है पेशेंट्स और विजिटर्स के लिए। खाना पीना और इंतज़ार वाला काम वहीं होता है। मैं वहाँ की बाउंड्री वॉल पे बैठ गया चाय पीने के लिए। मेरी कमर एंट्रेंस की तरफ और मैं एक्सरे डिपार्टमेंट की तरफ बैठा सामने देख रहा था। फ्रॉम अ 3rd पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैंटीन मेरे राइट पे थी और वहाँ बैठा बंदा मुझे वाज़े दिख सकता था। मुझे 1st फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा वॉचमैन होगा या कोई मेंटेनेंस वाला जो चेक कर रहा होगा कि ऑफिस या वॉशरूम खुले हुए तो नहीं है। खैर, मैं अपनी चाय पीने में मगन। कानी आंख से मैं थोड़ा गौर से देख तो रहा था ऊपर 1st फ्लोर पे कि मेरे सामने कोई खड़ा मुझे देख रहा है। देखा तो मेरा दोस्त कुलीग वलीद था। मैंने पूछा तुम कब आए और अंधेरे में ऐसे क्यों खड़े हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रोशनी थी जिससे थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि उसकी आंखों से पीली लाइट्स निकल रही हैं। मैंने इग्नोर कर दिया अपनी गलतफहमी समझ के। मैंने सवाल रिपीट किया थोड़ी ऊंची आवाज़ में कि यहाँ इस वक्त तुम क्या कर रहे हो। वलीद ने बदतमीज़ी वाले लहजे में मुझसे कहा ऊपर आ जा। मैं खामोश रहा तो फिर सेम लहजे में ज़रा जोश के साथ बोला कि बाहर हो, कहाँ आऊँ, ऊपर आऊँ। मेरे लिए काफ़ी अजीब बात थी। हम 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। फ्रैंकनेस काफ़ी है लेकिन आशिर और वलीद दोनों बहुत अदब तमीज़ से बात करते थे, मूड मिजाज और हालत जैसे भी हों। हम लोग तकरीबन एक ही उम्र के तीनों थे। 25 साल हमारी उम्र है। एंड डिस्पाइट द रूटीन एंड नेचर ऑफ आवर वर्क वी आर नोन टू कॉज हार्मलेस ट्रबल्स, do pranks and have light-hearted fun as well, all in efforts to escape and avoid a depressing and stressful routine. यहाँ भी मैं समझा कि इसको कोई मजाक मस्ती सूझी है, so I will play along and see where this goes. मैं उसके पीछे 1st फ्लोर पे चला गया। सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था तो मैंने उसको वहीं खड़े देखा जहाँ से वो बुला रहा था। मैं जब 1st फ्लोर पे आया तो राइट साइड पे दीवार है, वहां से गुजरा तो वलीद उस जगह नहीं खड़ा हुआ था। मैं जब वहां पहुंचा जिधर वो एक्चुअली खड़ा हुआ था तो फिर नजर आया कॉरिडोर में है, हंस रहा था और कहता है कि आओ मेरे पीछे। मैं जितनी देर में वहां पहुंचा तो वो पूरा हॉल भाग चुका था। आगे कॉर्नर पे जहां से टर्न करते हैं उधर रुक के बोला कि जल्दी आओ। अब 2 बातें परेशान करने वाली थी। एक तो ये कि उसके चलने और भागने की आवाज़ नहीं आ रही थी, दूसरा ये कि कॉरिडोर काफ़ी लंबा था तो वो इतनी जल्दी इतनी तेज़ी कैसे भाग रहा था, और मैं जब देखता हूँ तो वो कॉर्नर पे टर्न करता नज़र आता है। ऐसे ही वलीद ने मुझे पूरा फर्स्ट फ्लोर घुमाया और मेरे एंड तक पहुँचने में वो सेकंड फ्लोर पे आ गया था। मैंने उसको इरिटेट होकर थोड़ा गुस्से से कहा कि ये क्या मजाक चल रहा है, तो उसने हंस के तंजिया अंदाज में कहा, लगता है डर गए हो। मैंने भी जवानी के जोश में तंज को ईगो पे जख्म बना लिया, चला गया उसके पीछे देखने की किस हद तक ये मजाक जाता है और साथ और कौन मिला हुआ है। इसी तरह उसने मुझे सेकंड फ्लोर पे भी ऐसे ही घुमाया जैसे फर्स्ट फ्लोर पे घुमाया था, और ये करते करते वो अब थर्ड फ्लोर पे चला गया था। मैं ऊपर गया तो बजाय उसके पीछे जाने के मैंने सोचा कि मैं उल्टे रास्ते आता हूँ और आगे से आकर उसको पकड़ लेता हूँ। वलीद राइट कॉर्नर से भागा तो मैं लेफ्ट साइड से चला गया। हम दोनों फिर आमने सामने एक कनेक्टिंग हॉलवे की तरफ जो सीधा सर्जिकल वार्ड हो जाता है वहाँ पे हम पहुँचे। सर्जरी वार्ड का एक एंट्रेंस है, दूसरा फायर एग्जिट का वार्ड है जो कि थोड़ा सा बंद था। मुझे पता था कि यहाँ जाने का एक ही रास्ता है और जिस साइड पे वलीद है उसको भी भागने में टाइम लगेगा और नज़र भी आ जाएगा। वो बीच में रुक गया और इंतज़ार किया कि उसके करीब आ जाऊँ मैं। हाफ डिस्टेंस जब भाग लिया मैंने तो वो फिर तेज़ी से भागा, लेकिन नज़र आ रहा था मिन्हाज। मैंने उसको अपनी साइड से राइट साइड भागते देखा सर्जरी वार्ड की तरफ, और जैसे ही मैंने टर्न लिया तो वो आगे से गायब, एक सीधे हॉल में गायब जहां लेफ़्ट राइट कोई दरवाज़ा या रास्ता नहीं था। अपनी तसल्ली के लिए मैंने सर्जरी वार्ड का दरवाज़ा पुश करके देखा कि कहीं खुला तो नहीं और वो यहाँ आके भाग गया हो, लेकिन हमेशा की तरह उसका डबल लॉक लगा हुआ था और दरवाज़ा मजबूती से बंद था। मैं वहाँ अपनी कंफ्यूजन और तजस्सुस में खड़ा सोच रहा था कि हुआ क्या है कि मुझे आवाज़ आई जैसे कोई ग्लास पे अपनी उंगली मार रहा हो, किसी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। तो मैंने देखा कि शीशे के दरवाजे के पीछे गुप्त अंधेरे में दो पीली आंखें मुझे देख रही हैं। हंसते हंसते वो आंखें गायब हो गई। मैं फौरन नीचे आया और कैंटीन वाले के पास गया, पूछा कि यहाँ स्टेयर से कोई गया, किसी को देखा, कोई आया ओपीडी में मेरे बाद। कैंटीन वाले ने कहा कि आपके अलावा यहाँ कोई नहीं था। मैंने पूछा कि मैं यहाँ बैठा चाय पी रहा था और किसी से बात कर रहा था, वो सुना? तो कहता है सिर्फ आपको बोलते सुना और किसी की आवाज़ नहीं आई। मेरे से पूछा कि मैं ऊपर कहाँ गया था, तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया। मेरी हालत से वो समझ गया था कि मैं डरा हुआ हूँ और परेशान हूँ। मैं चला गया पार्किंग में आशिर से मिलने। मेरा फ़ोन भी हाउस ऑफिसर के ऑफिस में रह गया था तो मैं किसी से बात ना कर सका। पार्किंग में गया तो वहाँ आशिर मेरा इंतज़ार कर रहा था और वलीद उसके साथ खड़ा हुआ था। मैंने वलीद से पूछा कि तुम यहाँ हो, तो उसने कहा कि हाँ, और कहाँ हूँगा, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं मैं और आशिर। वापसी में आशिर को सारी बात बताई। उसने बस इतना कहा कि शुक्र करो बच गए। अगले दिन मैंने इजाज़त लेके सिक्योरिटी रूम के कंट्रोलर से कहा कि रात की ओपीडी की वीडियो दिखाओ, टाइम 1:30 से 1:45 तक का। वीडियो की शुरुआत में ही सिर्फ मैं और कैंटीन वाला थे, फिर बाकी वीडियो में जहां मैं नज़र आ रहा था और जहां वलीद होना चाहिए था उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक काला साया था। कंट्रोलर ने पूछा कि मैं किसके पीछे जा रहा था। मैंने कहा यही तो देखने आया हूँ। शुरू से एंड वीडियो में मैं एक काले साए के पीछे भाग रहा था। इस वाक़े के बाद एक मौलाना साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कुछ हिफाजती कलमात बताए और कहा कि ये मखलूक जिसे शेप शिफ्टर्स या छलावा के नाम से जाना जाता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, अलबत्ता डराते हैं। इस वाक़े के 10 दिन बाद हम हाउस जॉब और हाउस ऑफिसर्स की गैदरिंग थी तो वहाँ मैंने ये वाला वाक़या डिटेल में शेयर किया। तो एक सीनियर ने बताया कि आइंदा कुछ ऐसा नज़र आए तो चले जाओ वहाँ से। फिर बताया कि पुरानी पिंडी पहाड़ी और घने जंगल का वीरान था। वर्ल्ड वॉर I के वक्त यहाँ लाशें फेंकी जाती थी, एक बहुत बड़े खड्डे में, क्योंकि दफनाने का वक्त नहीं था और ना ही कोई ज़्यादा देर से इस वीराने में कोई रुक सकता था। आबादी बढ़ती गई तो सब सफाया कर गया इंसानों के बसेरे बनाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल का बहुत बड़ा एरिया उस पुरानी कब्र की खाई में बना हुआ है। और कुछ मखलूक होती हैं जो हिजरत नहीं करती, बल्कि ऐसे टाइम पे निकलते हैं जब वहाँ इंसान ना हो। ये पहला इंसिडेंट था और फिर 1 साल 4 महीने के गैप से सेकंड टाइम वही पीली आंखें किसी और दोस्त के रूप में दोबारा नजर आई। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ शरारत है या वाकई कोई पीछा कर रहा है मेरा। ऑलराइट, ये जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ये पिंडी में है, बस इससे ज़्यादा हम आगे और नहीं बता सकते। चलें जनाब, दोबारा से कोशिश करते हैं एक और कॉल लेने की। फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है, होपफुली इनको आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। फ़ारूक किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ। कराची से कॉल कर रहे हैं जी फ़ारूक, आपका इन बातों पे यकीन है? जी जी बिल्कुल यकीन है, और मैं आपको एक रियल वाकया अपनी सुनाना चाहता हूँ। खानदान गई है। अच्छा। 2004 की बात है, 2004। हम पूरी फैमिली जो है ना, एक कजन की शादी के सिलसिले में कराची टू जेलम गए ना। सही। तो शादी वादी से मतलब हमारे असल में ये समझ लें कि 4 कजनों की शादी, तो उनकी शादी वादी से फारिग हुए। तो फारिग होने के बाद जो है ना, हमने सब कजनों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि उस जमाने में तो आपको पता है सोशल मीडिया पे इतना वो नहीं था, तो DVD वगैरह का दौर था। तो हमने बोला चलो एक इंडियन फिल्म देख लेते हैं सब कजन मिलके ना। तो हमने जो है ना वो DVD की अरेंजमेंट की और मूवी देखना शुरू कर दी। उस वक्त आई थिंक मेरी उम्र 17 या 18 थी, मतलब छोटा ही था मैं इतना। तो अब अभी हम वो एक ताए का कमरा, ताए का घर था सॉरी, तो उनके कमरे में जो है ना हमने सेटअप लगा लिया ना DVD का। सारे कजन उसमें बैठ के जो है ना, रात की हो तकरीबन आई थिंक 10-11 का टाइम होगा। गांव साइड में तो आपको पता जल्दी सो जाते हैं ना। सही। तो हम 10-11 बजे तक वो मूवी लगा के तो देखना शुरू कर दी। तो वहाँ तो नींद तो ऐसे आती है पूरी नींद आती है मुश्किल से। मेरे ख्याल में मैं 1 घंटा भी जो है ना वो मूवी नहीं देख पाया मैं। नीचे मतलब एक ही गाँव में मुख्तलिफ कस्बों के ना, आयों के, बच्चों के, मैं तो अपने चच्चा के घर जाके सो गया। मतलब वहां से मतलब नीचे था, साथ ही था। तो अब मैं जाके सो गया, गहरी नींद में था। तो मुझे जो है ना नींद में तकरीबन सोए हुए आधा 1 घंटे गुजरा होगा, तो मुझे किसी की ना चिल्लाने की आवाजें आई। तो वो सब मैं समझा शायद ये मेरा ख्वाब हो, तो मेरा वहम हो, तो इस चक्कर में मैं दोबारा सो गया। सुबह उठा तो पता चला कि रात को जो है ना मतलब जो मूवी वगैरह देख रहे थे, मूवी देखते देखते उनमें से 2-3 कजन्स को जो है ना मतलब हाजत भी टाइप की। तो उन्होंने जो है ना मतलब 3 कजन मिलकर जो है ना वॉशरूम की तरफ गए। वॉशरूम की तरफ गई ना फीमेल थी। अच्छा। तो वॉशरूम की तरफ गई तो एक कजन जो है ना उसमें चली गई क्या ना वॉशरूम में, और वो उनका वेट करने लगी। वो असल में जो उनका वॉशरूम बिल्कुल आखिरी हिस्से में, उसके पीछे उसके पूरा पहाड़ी सिलसिला है। हेलो। तो पूरा पहाड़ी सिलसिला है ना। जी जी बताइए। तो वॉशरूम में तो एक कजन जो है ना मतलब वही पहाड़ था, उसने बोला अब ये इतनी देर में आए यहीं सारी हो जाती है, मतलब यहीं कर ले। तो वहां बैठ गई। अभी यकीन नहीं करेंगे वो भी मतलब आप बैठ के जो मतलब हाजत कर ही रही होती है, तो अचानक चिल्लाते हुए जो है ना वो वहां से भागना शुरू कर देते। तो उनकी मतलब चीख सुन के जो कजन बाथरूम में होती है वही बाहर आ जाती है, जो साथ होती है वो सारे भागते हुए कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कुछ बता ही नहीं रही होती। वो बस सांस खुली भी होती है, जैसे कोई चीज देख ली हो अनहोनी सी या कोई आसेब देख लिया हो। तो सब उसको पानी नहीं पिलाते हैं, तो समझ लो कि नीम बेहोशी की हालत में वो चली जाती है। तो बहरहाल वो अपने होश में थी उस वक्त, तो फिर वो भी इसको मतलब रात के टाइम होता सुला देते हैं। तो अब जब सुबह होती है तो मुझे पता चलता है ये सीन हुआ था। अब उसके अगले दूसरे दिन वापसी कराची आ जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो शादी पे गए हुए होते हैं, हमारी बेटी वो होती हैं, उनको वापसी आ जाते हैं। तो यहाँ आके फिर हमें स्टोरी पता चलती है कि उसके ऊपर तो मतलब साया हो गया है किसी आसेब का ना। तो वो अपने तौर पर तो मतलब हम लोग के पास जाते रहे, चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको कोई मतलब सारे जाली आमिल ही मिले। जैसे तो उनकी ट्रीटमेंट सही ना शुरू हो पाई, तो मतलब उनकी हालत आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो एक दफा तो उन्होंने मतलब अपने घर पे फील किया कि जिस कजन पे मतलब ये साया हुआ था, तो उनके घर में तो अगर जैसे कोई बीफ मतलब बड़ा गोश्त आता था ना, तो वो तो बिफर जाती थी, वो तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, तो पूरा घर सर पे उठा लेती। तो उन्होंने बीफ खाना छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना वो उनके घर वाले मतलब कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इसकी मतलब इलाज का जारी रखें, लेकिन कोई आमिल मिल ही नहीं पाया। आखिरकार पर कुदरत मेहरबान हुई हो और उनको जो है ना एक दूर दराज गांव में एक बुजुर्ग के लें, आलिम के लें, वो मिल गए, पीर साहब कह सकते हैं आप। तो उनको सारा वाकया बताया, तो उन्होंने अपने तौर पर जब तहकीक की तो पता चला कि जिस रात को उसने वहाँ पे मतलब हाजत के लिए पहाड़ का रुख किया था, बिल्कुल साथ ही था उसके बिल्कुल ना, तो वहाँ पे जो है ना जन्नात का बसेरा था। अब इनकी जो पेशाब के जो छींटे थे वो उसके मतलब पेशाब की वजह से उनके जो आसेब वहाँ पे जो भी था उनकी वजह से ना उनके बच्चे मर गए। तो उस वजह से जो है ना उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। अरे तो, मतलब एक अच्छा सही है, फिर तुमने कब्जा कर लिया था। अब वो जो आमिल थे उन्होंने उसको हाजिर किया, जो भी उसके ऊपर आया था ना, तो उन्होंने उसको हाजिर किया। हाजिर करने के बाद से पूछा भी आप कौन हो, क्यों सब पीछा कर रहे हो। उन्होंने पूरा बताया कि इस लड़की ने जो है ना हमारे बच्चों में पेशाब कर दिया था, जिसकी वजह से वो मर गए। इंसानी पेशाब से जो है ना हम लोग जो है ना, अच्छा सुने खुदा के वास्ते ये वर्ड ना यूज करें, बहुत सारे लोग सुन रहे थे, मतलब हाजत वाला वर्ड सही था, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वो असल में वाकया असर इतना महबूब गहरा है ना, तो पता नहीं चल रहा है, मेरे अल्फाज प्रिपेयर नहीं हो रहे। मुझे लगा इतना गहरा वाकया कि डूब रहे हैं वाकया में। नहीं, मैं अवॉइड करूंगा। हां प्लीज, थैंक यू। अच्छा, तो उन्होंने फिर ये बताया कि उनकी हाजत करने की वजह से हमारे बच्चे मर गए ना, तो जिसकी वजह से हमने इन पे कब्जा कर लिया। तो अब कब्जा तो कर लिया, और फिर उन्होंने उनकी हिस्ट्री निकलवाई कि आप कौन है, कहाँ से आए। तो उन्होंने बोला हम जो है ना सिख हैं, जो उनके पर जो कब्जा किए हुए थे ना वो सिख खानदान था। तो उन्होंने कहा कि हम पहले जो है ना अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के उस तरफ जो है ना रहते थे, फिर हमने जब देखा ना कि आबादी बढ़ती जा रही है कराची की, तो हमने हिजरत करके यहाँ पे सकूनत इख्तियार करी। तो हम काफी अरसे यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन हमने किसी को तंग नहीं किया, लेकिन इसने गलत काम किया तो इसकी वजह से हमने इस पर कब्जा कर लिया। तो बहरहाल उन्होंने फिर अपने तौर पर जो है ना वो उसकी इल्म के जरिए जो है ना वो उनको मना किया कि आप गलती हो गई, बच्ची है, आपको छोड़ दें। बड़ी मुश्किलों से जो है ना उसकी जान छूटी। तो वो समझ रहे कि वो अच्छी खासी सेहतमंद लड़की बिल्कुल सूख के कांडा हो गई थी। वो फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो थोड़ी बहाल हुई इसकी सेहत। तो चले, तो ये बिल्कुल रियल वाकया है, इसमें जरा सी भी खोट नहीं है। नहीं बिल्कुल, काफी अरसे से मैं सोच रहा था कि आपसे जो है ना ये वाकया शेयर करूंगा, तो कॉल ही नहीं लगती थी, आज देखिए लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, चलें ज़रा स्ट्रीम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप लोग चाहें, आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं और आप इतनी देर से सुन ही रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा ताल्लुक गुलशन मेमार से है। नाम अभी शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ईमेल के एंड में लिखा होता है कि नाम शामिल मत कीजिएगा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपसे अपना एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। जो लास्ट ईयर हमारे साथ पेश आया। हफ्ते का दिन था, हमारी फैमिली का प्रोग्राम मुबारक विलेज जाने का बना। प्रोग्राम कुछ इस तरह का था कि हमें वहाँ नाइट स्टे करना था और रात में लाइव बारबेक्यू का प्लान बना रखा था। सारा सामान वगैरह हम अपने साथ ही लेकर गए थे। हमारी फैमिली में तकरीबन 12 लोग थे, जिसमें से 3 बच्चे शामिल थे। खैर, रात के 11 बजे हम लोग घर से निकले मुबारक विलेज जाने के लिए। तकरीबन रात के 1:30 से 2 बजे के दरमियान हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हालात और कोविड की वजह से काफ़ी टाइम से कोई पिकनिक का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। खैर, हम जैसे ही पहुंचे हैं वहाँ उस टाइम हमारे अलावा सिर्फ एक और ही फैमिली आई हुई थी। बाकी दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय समंदर के। अंधेरा भी बहुत था क्योंकि वहाँ लाइट वगैरह नहीं होती, तो हम अपने साथ इमरजेंसी लाइट्स वगैरह लेकर गए थे। फिर हमने हट बुक करवाया और अपना सारा सामान हाईएस्ट से उठाकर अपने हट में रखा। फिर हम सब समंदर के करीब जाकर बैठ गए। अंधेरा भी बहुत था मगर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और सामने समंदर की लहरें, मज़ा आ रहा था। सब अपनी अपने शुगर में लगे हुए थे। कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर अचानक हुआ ऐसा, जो हट हमने बुक करवाया था वहाँ मेरी अम्मी की दूर से नज़र पड़ी तो अम्मी को कोई नज़र आया। अम्मी ने कहा कि सब तो यहाँ हैं, फिर वो हट में कौन है? तो हम सब ने देखा दूर से, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर मैं और मेरा कज़न उठ के वहाँ गए तो हमारा सामान सामने बिखरा हुआ था। हमें लगा कोई चोर होगा या शायद जिसका हट था वो आया होगा। खैर, हमने सब सही किया। फिर हम बाहर आए, जिससे हट बुक करवाया उसके पास गए। उसने कहा या नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। उसके पास गए, उसने कहा नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना कोई हमारा बंदा आया है यहाँ, तो ज़्यादातर लोग इस टाइम सो रहे होते हैं। फिर हमने इस बात को रफा दफा करके फिर साहिल पर चले गए जहाँ हमारी फैमिली थी। फिर होता कुछ यूँ है कि सबको भूख लगने लग जाती है और अम्मी कहती हैं चलो अब खाने की तैयारी करते हैं। रात के 4 बजने वाले थे। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। फिर हम लोग बारबेक्यू बनाने का सामान उठाने हट में जाते हैं तो देखते हैं हमारी सारी चीज़ें जगह से गायब होती हैं सिवाय बर्तनों के। बर्तन पे पूरे हट में फैले हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था किसी ने उठा के फेंके हों। तो सब परेशान हो जाते हैं, सामान कहाँ चला गया। फिर हम उसी बंदे के पास गए और पूछा भाई साहब हमारा सारा खाने का सामान गायब हो गया है। ये बात सुनकर वो भी शॉक हुआ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे थे जैसे शायद कोई मसला है जो वो हमें बताना नहीं चाह रहा। खैर, यहाँ वहाँ सब जगह देखा लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। एक जो फैमिली आई हुई थी, हम उनके पास भी गए। उनसे पूछा कि आपने यहाँ किसी को आते जाते देखा जो हमारा सामान लेकर गया हो? ये बात सुन के उनको भी शौक लगा और कहा हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है जो आप लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने बोला हमारा भी सामान गायब हुआ है, हम तो बिल्कुल हट के पास बैठे थे। अगर कोई चोर वगैरह आता तो हमें तो पता चल जाता कि कोई आया है। ये बात सुनने के बाद फिर हम लोगों को शक किसी बंदे पर नहीं गया कि चोरी हुई। ये सुनने के बाद हम लोगों का शक किसी बंदे पर नहीं गया कि चोरी हुई है। फिर हमें यहाँ कोई और ही मामलात लगे। खैर, फिर सुबह थोड़ी रोशनी होते ही हम घर के लिए रवाना हो गए। वो बात हमें अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर हमारी चीज़ें कहाँ गईं, कौन ले गया। चलो एक हिसाब से मैं मान भी लेते हैं कि हमारा खाने का सामान कोई चोर ले गया हो, लेकिन दूसरी फैमिली तो हट के पास ही बैठी हुई थी, उनका सामान कहाँ गया? हारिस थे जिन्होंने अपना ये वाक़या हमसे शेयर किया। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। रेहाना नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। होपफुली उनकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रेहाना, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, बहुत ही हल्की आ रही है। हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी किधर से कॉल किया आपने? मैंने काटूल, कराची से। अच्छा जी, जरा आप पूछा बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, क्या वाक़या है? वाक़या तो ये है, वाक़या है मेरी कज़न का, वो गोली मार, पुराना गोली मार में रहती थी, अब तो यहाँ शिफ्ट हो गई हैं। तो उनके साथ हुआ ये था, जहाँ वो रहती थी तो वहाँ अक्सर मतलब सब, मैं भी जब जाती थी तो सब यही बोलते थे कि हाँ मतलब उनके असल में ज्वाइंट फैमिली थी, तो घर इस तरह से बने हुए थे जैसे लाइन पे, जैसे पहले घर मेरी कजन का आता था, फिर उनकी मतलब खाला का, फिर साइड में, फिर उनकी कजन का, इस तरह से लाइन लाइन पे। तो मतलब छोटा सा ही घर था, तो उसमें मतलब ये सब माशाल्लाह रहते थे। लेकिन अक्सर बोलते थे कि यहाँ जो मतलब कुछ है, मतलब किसी ना किसी को दिखाई देता है। लेकिन जो मेरी कज़न है जो शादी करके यहाँ गई थी, तो उन्होंने, वो कहती हैं कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये सब बोलते हैं कि मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला, लेकिन मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ पे या महसूस भी नहीं हुआ। तो अब ये तकरीबन है 3 साल पहले की बात, जब उनके साथ ये मतलब हुआ, तो उनका कहना था कि उस वक्त मैं किचन में काम कर रही थी। असल में वो इलाका भी मतलब मोहल्ला है ना, जैसे रिश्तेदार सब एक साथ ही रहते हैं, तो वहाँ पे कोई मतलब जो मेन गेट है वो बंद होने का वो नहीं है कि मेन गेट जैसे बंद रखना होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब सबके गेट खुले हुए होते हैं, जैसे कोई भी आए जाए कुछ भी, तो इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि अरे मैं अपने किचन में, अच्छा जैसे गेट में जैसे एंटर करते हैं तो पहले उनका किचन आ जाता है, तो कह रही मैं किचन में बना रही थी, तो इतने में बच्चों की आवाज आई, एक बच्ची की आवाज आई, मतलब बिल्कुल मेरे पास आके खुलेगी। कह रही मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ आवाज आई कि कह रही है कि आपने मेरी बहन को देखा है, जो इतनी सी मतलब अपना हाथ का इशारा करके बता रही है कि इतनी सी मेरी बहन को देखा है। तो कह रही है, मैं समझी शायद मोहल्ले की कोई बच्ची होगी। कह रही तो मैं गुस्से में भी थी कि गर्मी इतनी हो रही थी, तो मैंने गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। कह रही जैसे मैंने उसकी तरफ देखा तो देखा वो मतलब जैसे उसकी आंखें एकदम रेड थी और दांत उसके हल्के नोकीले दांत जैसे निकले हुए थे। कह रही है जब जैसे मैंने, और वो टाइम भी था मगरिब का टाइम, यानी रात का टाइम नहीं, जैसे मगरिब का टाइम था। कह रही है जैसे मैंने उसकी तरफ देखा मैं एकदम चौंक गई, और मेरी चीख भी नहीं निकली, मैं यही सोच के चीख भी नहीं मैंने मारी कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसलिए फिर वो कहने लगी कि मैंने जैसे उसको देखा तो फिर से मेरी तरफ हंस के कहने लगी कि क्या आपने मेरी बहन को देखा, इतनी सी मेरी बहन थी, यहाँ आई थी, आपने देखा है उसे? फिर मैंने उसको, मैं कह रही डर के मारे मैंने सिर्फ यही बोल दिया कि हाँ अभी यहाँ से गुजरी है। कह रही जैसे मैंने गेट का इशारा किया ताकि ये चली जाए। कह रही फिर हंसते हुए वो वापस मुड़ के पे जाने लगी, और जैसे ही उसका जाना वैसे कह रही मेरी खाला का एंटर होना। कह रही जब खाला एंटर हुई तो मैंने उनसे पूछा आपने अभी एक बच्ची को देखा है यहाँ से जाते हुए? कह रही नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा नहीं अभी यहाँ एक बच्ची गुजरी है। कह रही है नहीं मैं तो अभी आई हूँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा, यहाँ पे तो कोई मतलब कोई बच्चा नजर भी नहीं आ रहा। कह रही फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्यों क्या हुआ? कह रही मैंने कहा कि नहीं। कह रही उसमें मैंने उनको कुछ कहा नहीं कि मैं खुद मतलब उसमें थी कि पता नहीं ये मैंने वाकई में देखा या नहीं देखा, उसी कश्मकश में थी। कह रही फिर उसके बाद थोड़ा पानी वानी पी के फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये मतलब बात बताई कि मैंने अभी इससे बच्ची को देखा। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब ये कह रही यही कहा कि मैं भी कहता था कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे अक्सर हमें नजर आता है, चलो कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे वाकई उस दिन मतलब मुझे यकीन हुआ। और हालांकि वो ये बात कहती भी है कि अब मेरे घर से मतलब उनकी शिफ्टिंग का टाइम भी हो रहा था, यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, तो उन्होंने यही बोला कि मैं अक्सर, मैं यही बोलती भी थी कि सब लोग झूठ बोलते हैं, मैंने मतलब सब बोलते हैं कि देखा है, सबका वहम है, मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने इतने साल 20 साल मैंने इस घर में गुजार लिए, मैंने आज तक नहीं देखा। तो कह रही है जाते जाते उसने मतलब बोला अपना आप मुझे दिखा दिया कि मैं हूँ तो ये हंसते हुए बोलती भी है कि मतलब उसने मुझे यकीन भी दिला दिया कि तुम जा तो रही हो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही थी। तो ये मतलब सीन हुआ उस दिन। ओके। और सर एक और बात भी कहनी है मुझे। जी बोलिए। मैंने लास्ट सैटरडे आपको मैंने कॉल की थी, मैंने अपने एक रिलेटिव की आपकी कहानी सुनाई थी। तो मैंने बताया था कि उस लड़के ने अपनी आंख निकाल दी थी। तो ये मतलब जब मैंने कहानी सुनाई थी तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, मैंने कहा मैंने इस तरह से मिनासर को कॉल की थी तो मैंने ये कहानी सुनाई। तो उन्होंने मतलब मेरी पूरी कॉल फिर से वो जैसे वीडियो वो जो जिस दिन मैंने आपसे बात की थी वो पूरी सुनी मेरी कहानी कि मैंने सुनाई क्या थी। तो उन्होंने मुझे बात बताई कि कह रही तुमने यही मतलब हमेशा से यही सुना है ना कि उसने अपनी आंख निकाली है। मैंने कहा हाँ सभी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने खुद, मेरे हस्बैंड कहे मैंने खुद मतलब इमाम से पूछा था जिसके साथ ये हुआ था, मैंने उससे पूछा था, उसने उसका कहना ये था कि मैंने अपनी आंख खुद नहीं निकाली थी। वो मैं कह रहे कि मैं उस वक्त मैं आयत करीमा का वेट कर रहा था और मैं पढ़ता ही रहा, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कितना मतलब कितना टाइम लगा पढ़ते हुए, लेकिन मेरी आंख में मुझे तकलीफ होने लगी और आंख में तकलीफ होते होते कह रहे आंख की तकलीफ इतनी बढ़ गई थी लेकिन मैं पढ़ाई रोक नहीं रहा था। मतलब मेरी आंख की तकलीफ इतनी हुई कि मेरी आंख फट के बाहर निकल गई। और जब मैंने देखा कि मेरी आंख फट के बाहर निकल गई तब मैं बेहोश होके, मुझे याद है कि मैं बेहोश होके गिर गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। कह रहे जब मैंने, और ये जो माजरा जो कह रहे जो हुआ ना कि मैं अपने आंख हथेली में लगे, कह रही मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे घर वालों का यही कहना है कि तुम इसी तरह आए थे हमारे पास और तुम अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। ये सारा कह रहे मेरे घर वालों ने मुझे बताया था और ये भी बताया था कि उस जो भी था मेरे ऊपर उसने कहा था कि उसे खून चाहिए, ये सब कह रहे हाँ ये मेरे घर वालों ने बताया था, लेकिन मुझे कुछ भी इसमें याद नहीं है कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरी आंख फट के बाहर आई थी और फिर मेरी आंख जब खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तो सर ये मुझे वो बताना था क्योंकि थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे। चलें कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच रेहाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जनाब एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ ईमेल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, अनोनिमस है, होप यू आर डूइंग ग्रेट विद योर डियर वंस। मिनहाज भाई मैं आज आपको मेल कर रहा हूँ अपनी आप बीती सुनाने के लिए। मैं एक यंग ऑफिस गोइंग लड़का हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ और फ्यूचर में बहुत से गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला करूँगा भी। अब किस्सा शुरू करते हैं। मिनहाज भाई मैं आज से कुछ साल पहले एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, खुदा से मोहब्बत करता था और हमेशा पॉजिटिव रहता था। सब कुछ सही चल रहा था बट मेरा एक बचपन से प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली का, कि हम लोग म्यूज़िक बहुत शौक़ से सुनते हैं। पर्सनली मेरी बात की जाए तो 3 शौक़ रखता हूँ जो मेरा क्रेज़ है, म्यूज़िक सुनना, सैर करना और गोस्ट समिंग करना। म्यूज़िक तो मैं सुनता ही हूँ, साथ ही साथ गोस्ट समिंग भी पिछले 16 साल से कर रहा हूँ। गोस्ट समिंग इज़ जैसे कि किसी गोस्ट को बुलाना। म्यूज़िक का शौक़ आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक मेटल टाइप के म्यूज़िक मैं सुनने लग गया। मैं हर किस्म के नेगेटिव म्यूज़िक सुनने लगा था, साथ ही साथ वीजी बोर्ड भी खेलता था ताकि मैं साथ साथ वीजी बोर्ड प्ले करते हुए भी म्यूज़िक लगा देता और गोस्ट समिंग स्टार्ट कर देता। देखते ही देखते मैं इन सब में इतना डूब गया कि मैं खुद में आने वाले चेंजेस फील नहीं कर पा रहा था। आज मेरा यह हाल है कि जहाँ 5 टाइम नमाज पढ़ने का करता हूँ, वहाँ पाँच टाइम नमाज पढ़ने का करता हूँ, वहाँ आज मैं सिर्फ एक एक महीने गुस्ल नहीं करता, गंदे कपड़े पहन के रखता हूँ। घर आता हूँ तो पूरा दिन खुद को अपने कमरे में बंद करके म्यूज़िक सुनता रहता हूँ। मेरे कोलीग्स मुझे अक्सर बोलते हैं कि सर आपका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। मैं कभी कभी खुद को आईने में देख के डर जाता हूँ और ख़ुद को पहचान भी नहीं पाता। पिछले 6 साल से सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, अपने कमरे से ऑफिस और ऑफिस से अपने कमरे तक, यही मेरी ज़िंदगी है। एक दिन भी अगर म्यूज़िक और हॉरर कंटेंट ना देखूं तो खुद पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता। इतना गुस्सा आता है कि कभी कभी दीवारों पे टकरे मारने लग जाता हूँ। आज़ान की आवाज़ सुन के पूरे जिस्म में आग लगने लग जाती है, दिल करता है कि ज़िंदा जला दूं। नाउज़ुबिल्ला इन अजान देने वालों को। अल्लाह को बुरा भला कहता हूँ और इस कंडीशन के दौरान मैं अपने हवास में नहीं होता। सिर्फ इतना पता है कि इस कंडीशन के दौरान मेरे अपने अंदर एक जंग चल रही होती है शैतान और मेरी रूह की, और ये कंडीशन तब होती है जब अजान हो रही होती है। म्यूज़िक और वीजी बोर्ड ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा खुद से कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब ख़त्म हो जाएगा, शायद ये दुनिया ही छोड़ दो। वो मुझे मार देगा जो मेरे अंदर जज्ब होता जा रहा है। कभी कभी तो बैठे बैठे ट्रांस में चला जाता हूँ और कोई ताकत बार बार कहती है लीव दिस रिलीजन। अच्छा, आगे ऐसी ऐसी बातें जो मैं एक्चुअली बोल नहीं सकता। आई विश मैं किसी तरीके से इस सैटेनिक कमांड से जान छुड़ा लूँ। मेरी बॉडी और मेरा माइंड मेरे कंट्रोल से निकलता जा रहा है। मुझे डार्कनेस पसंद है, सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, इस ईमेल को ज़रा, और भेजने वाले उन्होंने, उनका नाम तो हम शामिल नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेरा फ़लसफ़ा है, और वो बिल्कुल गलत हो सकता है, आप उसे डिनाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और फिज़िकली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आपके बड़े को डोले शोले बने हो, सिक्स पैक्स हो, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। इस बात पे आप यकीन करें कि कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती अनटिल और अनलेस आप खुद उसको इजाज़त दें। दूसरी बात रही ये कि आप कह रहे हैं कि आप म्यूज़िक सुनते सुनते और वीजी बोर्ड और ये जो आपने गोस्ट समिंग कहा है, मतलब जिन भूतों से आपका जो मुकालमात हैं उसकी वजह से आपके साथ ये हो रहा है, तो म्यूज़िक का तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि म्यूज़िक हर कोई सुनता है। लेकिन जो अमल आप वो कर रहे हैं, वीजी बोर्ड या कुछ इस तरह की हरकत जो कर रहे हैं जिससे आप चाह रहे हैं कि आपका इंटरेक्शन हो गोस्ट, जिन्नात, भूत, जो भी आप कह लें, दिस इज़ डेंजरस, क्योंकि आप एक ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी आपको इजाज़त नहीं है। हम अक्सर ये बोलते हैं ना कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इंसानों से दूर हो जाओ और इंसानों के करीब मत आओ। कुछ बातें इंसानों को भी बोली गई हैं। हम ये वाला पार्ट हमेशा स्किप कर जाते हैं। हमें भी इंटरेक्शन से रोका गया है, हमें भी मना किया गया है कि हम उनकी दुनिया की तरफ ना जाएं ज़्यादा, क्योंकि इंसान की इंक्विजिटिव नेचर है ना, तीसरी बात ये कि आपको चाहिए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको आपकी बात सुने, आपकी बात समझ सके। अच्छा जी। खैर, जो पहली बात मैंने की वो याद रखिएगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। मैं अगर मैं आपका ये, जैसे आपने ईमेल हमने पढ़ी अभी, आप सबने सुनी, इस हवाले से अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूं तो मुझे 15-16 साल हो गए कंटिन्यूसली हॉरर कंटेंट क्रिएट करते हुए, बताते हुए, इसके ऊपर रिसर्च करते हुए। मेरा दिन का कोई ऐसा टाइम नहीं है जब मैं इस पर रिसर्च नहीं कर रहा होता। लोगों से मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनना, फिर ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे वाक़यात हुए, मुख्तलिफ़ पहाड़ी इलाक़ों में मेरा जाने का कुछ हद तक वजह यह भी होती है कि मुझे वहाँ के किस्से सुनने को मिले, वहाँ की बातें सुनने को मिले। और जिस तरह आपने कहा कि आप म्यूज़िक सुनते हैं, मैंने अपने अर्ली टाइम्स में डेथ मेटल, हेवी मेटल, यू नेम इट, जो भी पागल से पागल म्यूज़िक है वो कंटिन्यूस लेवल पे सुना है। मतलब मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रीम पे कई दफ़ा बताया कि टीनेज में मेरे कमरे में बड़े बड़े पोस्टर्स पूरी दीवारों पे लगे होते थे। मार्लिन मैनसन, स्लिपनॉट, रॉब ज़ॉम्बी, वाइट ज़ॉम्बीज़, यू नेम इट, अजीब और गरीब। और वो लाइट, लाल कलर की लाइट जो टीनेजर में आपका होता है ना, अजीब सा एक आपका ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं। लेकिन शायद मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग था, इसलिए ये सारी बातें मेरे आज तक उसने मुझे वो नहीं किया, अफेक्ट नहीं किया। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ हो, वो अगर आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करने लग जाए तो इट्स डेंजरस। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा इश्क भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में आप एक्सट्रीम पे चले जाएं वो डेंजरस है। और अगर जिस वसवसे और जिन ख़यालात की आप बात करें, जो मैं पब्लिकली बता भी नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग जो है ना, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि यह है, ये क्या बोल दिया, अल्लाह अल्लाह, ये तो इस्लाम से खारिज हो गया है, फलाना, जैसा हमारे यहाँ होते हैं जजमेंटल लोग। तो अब आई थिंक ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप ये अपने बारे में ख़ुद ही ये बातें कर रहे हैं तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर फर्स्ट। मुश्किल होगा ऑब्वियसली, जिस नौयत पे आप हैं। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि आपका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तब भी, और अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जिन की बात है, क्या कोई जिन आपके इर्द गिर्द है, इन दोनों केसेस में आपका जो साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर या किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे आपके मर्ज़ को ठीक किया जा सकता है, उधर जाने के लिए आपको रोका जाएगा। और यही सबसे पहली जंग है जो आपने लड़नी है, क्योंकि आपने एक दफ़ा ये जंग लड़ ली, ये वाली, फिर देखिएगा कि आपकी बाकी की जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, सिंपल। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को दूर करे। चलें जी, बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। ये बात 2014 की है। मेरा कज़न जामशोरो में एक मदरसे में पढ़ता था जिसका उन दिनों में आधा हिस्सा बन चुका था, जहां उनकी नीचे बड़े बड़े रूम्स वाले हॉस्टल थे और फर्स्ट फ्लोर पे क्लासेस थी और बकिया हिस्सा में काम चल रहा था। हर रूम में 8-8 स्टूडेंट्स रहते थे। वहाँ उसके एक लंबे कद का दोस्त जिसका नाम फैज़ी था, जो जब नया आया था तो बहुत ताकतवर सा था, भारी जिस्म वाला लड़का, लेकिन दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जा रहा था। उसके एक उस्ताद साहब को तशवीश हुई कि शायद शागिर्द को कोई बीमारी हुई भी है। उस्ताद साहब ने शागिर्द के मुख्तलिफ टेस्ट करवाए तो सब नॉर्मल रिपोर्ट्स थी। उन्होंने सोचा बच्चे को हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा शायद। कुछ दिन हुए तो उस्ताद साहब ने नोट किया कि हर रोज़ 9 बजे सारे शागिर्द को साथ बिठाते हैं, लेकिन ये फैज़ी है, मतलब जो दोस्त था वो नज़र नहीं आता। अब ये रोज़ाना ऐसा होने लगा तो उस्ताद साहब ने 2-3 शागिर्दों को उसके ऊपर नज़र रखने को कहा। शायद उस्ताद साहब मामला समझ गए थे, तो उसने एक लड़के वहाब को 7 बजे ही उस रूम में लिटा दिया। बाकी दूसरे लड़कों को स्टेयर्स और अलग अलग जगह नज़र रखने को कहा। जब 9 बजने का वक्त आया तो फैज़ी अपने कमरे में आया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। कुछ देर गुजरी तो वहाब डर के उठ के कमरे से चीखता हुआ बाहर भागना और रोने लगा। शोर सुन के उस्ताद साहब और बाकी सब शागिर्द भी उसकी तरफ भागे। उधर जाकर देखा तो फैज़ी के कपड़े पड़े हुए थे, सिर्फ खुद वहां वो नहीं था। अब मदरसे के टेरेस से अजीब हंसने की आवाजें आने लगी थी। तब सब ने ऊपर देखा तो फैज़ी छत पे बने हुए शज्जे पे से 2-3 कदम दूर बगैर कपड़ों के हवा में चल रहा था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। अब ये जिंदगी भर इसकी सजा है, कुछ भी कर लो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अजीब सी क्रीपी सी हंसी हंसने लगा। तो मदरसे के तमाम उस्ताद साहब टेरेस पे जाकर पढ़ाई करना शुरू हुए और आखिर उस मखलूक ने फैज़ी को वहाँ से छोड़ ही दिया, जिसे फैज़ी को काफ़ी चोटें भी लगी, हाथ भी टूट गया। पहले तो उन्होंने उसका जिस्म ढांप दिया और दुआएं वगैरह पढ़ के उसको उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। फिर उस्ताद साहब ने वहाब से पूरा वाक़या मालूम किया। तब वहाब ने बताया कि जैसे ही वो 7 बजे से आया तो उसके कमरे में अलग अलग किस्म की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई चीज़ों को इधर उधर उठा के रख रहा हो। फिर 9 बजे वो लड़का यानी फैज़ी आया और आते ही कमीज़ उतार के लेट गया। थोड़ी देर गुजरी तो फैज़ी किसी से बात करने लगा। फैज़ी की आवाज़ गुस्से वाली होती गई, फिर जैसे किसी से माफ़ी मांगने वाली हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब एकदम से फैज़ी खामोश हो गया और मेरी तरफ मुँह मोड़ के अजीब ही मर्द और औरत की आवाज़ में कहा, छुप छुप कर क्या देख रहे हो? आज के बाद मैं इस तरह तुम्हें भी सज़ा दूंगी। ये सुनते ही मैं वहाँ से चीखता हुआ भागा था। फिर उस्ताद साहब ने फैज़ी पे दुआएं की, पढ़ाई की तो वो मखलूक हाजिर हुई। उस्ताद साहब ने मखलूक से पूछा कि इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो, तो उस मखलूक ने जवाब दिया, ये लड़का मदरसे के कोने वाले हिस्से में अपनी हाजत दूर करने के लिए बैठ गया था, जिससे मेरी तमाम घर वालों को तकलीफ़ पहुंची। मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगी और ज़िंदगी भर ये जहां भी होगा मैं इसको हर रोज़ इसी तरह बरहना करती रहूंगी, सख्त तकलीफ़ देती रहूंगी और एक दिन ये ऐसी हालत में मर भी जाएगा। उस्ताद साहब ने उस मखलूक को पढ़ाई के ज़ोर से लड़के से दूर किया और एक तावीज़ फैज़ी को पहना दिया और कहा कि इसको कभी मत उतारना। अब फैज़ी उस मदरसे से कोर्स मुकम्मल करके इराक और फिर ईरान पढ़ने चला गया। अब ये 2021 की बात है। फैज़ी ने एक दिन सोचा कि अब ये तावीज़ उतार देता हूँ, वैसे भी इतने साल हो गए और अब मैं दूसरे मुल्क में भी हूँ। जैसे ही उसने तावीज़ उतार के टेबल पर रखा तो वही मखलूक फिर से उसी वक्त ज़ाहिर हुई और कहा, मैं हर वक्त तुम्हारे पास ही हूँ। अभी इतनी ही उस मखलूक ने कहा था तो फैज़ी ने एकदम से वो तावीज़ हाथ में उठा लिया और वो मखलूक गायब हो गई। फिर फैज़ी ने अपने उस्ताद साहब से राब्ता करके मज़ीद दुआएं और अस्कार लिए। अभी भी वो तावीज़ इसी तरीक़े से अपने जिस्म के करीब रखता है, वरना शायद वो मखलूक जो भी है वो उसको नुकसान पहुँचा दे। ऑलराइट, चलें जनाब, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हमारी स्ट्रीम को। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल को इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग सुपर चैट और सुपर स्टिकर के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं, और जो लोग पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अगर आप लोग चाहें हमें सपोर्ट करना तो बिल्कुल इजी पैसा और जैज़ कैश का ये नंबर सामने स्क्रीन पे आ रहा है, 0311-1577846। इस पे अपनी सपोर्ट भेज सकते हैं उन लोगों के नाम शामिल कर लेते हैं जो लोग अभी तक हमें सपोर्ट कर चुके हैं। हमज़ा हुसैन, थैंक यू सो मच। मोहम्मद ताहा, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। इसके अलावा मिर्ज़ा वसाम आज़म, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड टाइमलेस ग्राफिक्स हमारे साथ मौजूद हैं, होपफुली इनको आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, अलग लाख लाख शुक्र। क्या नाम है आपका सर? फिर भूल गए। सलमान। सलमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी। क्या वाक़या है सर? वाक़या तो कोई नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी बोलिए। रिक्वेस्ट ये थी कि अभी आप एक स्ट्रीम करेंगे सीरियल किलर के ऊपर, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट ये थी कि एक सीरियल किलर का नाम मेरे अभी सामने आया है, ये एड गेन है, इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बड़ा स्पूकी सा सीरियल किलर मैंने अभी देखा है। इसने काफ़ी मर्डर किए हैं मतलब अपनी हिस्ट्री में। सही है, सही है। तो जो टेक्सास जो टेक्सास चेनसा, आपने फिल्म तो देखी होगी, टेक्सास चेनसा मैसेकर, तो उसके रेफरेंस से ये फिल्म बनाई गई है इसी के ऊपर। तो ये है कि जी इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च कीजिएगा, तो आपको इसमें बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खालिद भी हमारे साथ मौजूद है और हमज़ा यूसुफ भी मौजूद हैं। अब इनमें से पता नहीं कौन अभी तक मौजूद है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, आपको आवाज़ आ रही है? क्या आप अभी तक हैं मौजूद स्ट्रीम पे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हेलो वालेकुम सलाम, कैसे हैं मिनाज भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमज़ा आप कैसे हैं? किधर से कॉल कर रहे हैं? कराची से कॉल कर रहा हूँ। कराची से कॉल कर रहे हैं जी, क्या वाक़या बताइएगा। अच्छा, मुझे एक वाक़या शेयर करना था। ये एग्जैक्टली हॉरर तो नहीं है और बीच में जगह जगह थोड़ा सा फनी भी लगेगा, लेकिन ये एक मैंने ख्वाब देखा था जो बड़ा नाकाबिले फरमोश किस्म का वाक़या। हॉरर नहीं है ये, तो मैं सुना सकता हूँ क्या? ये बता दीजिए, अब आपने कॉल कर ली तो फ़र्ज़ बनता है हमारा कि आप बता दें, बता दीजिए। अच्छा, ख्वाब मैंने ये देखा था कि 2-3 दिन पहले ही देखा था रात को ना। वो मैंने ये देखा था कि इनिशियली मैंने ये देखा था, मतलब आपको होता है ना, आप जब ख्वाब देख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में, आपको ख्वाब में ये पता होता है कि बैकग्राउंड क्या है उस जगह का, ठीक है, बैक स्टोरी क्या है, ठीक है। तो मुझे ये पता था कि मैं ख्वाब जब देख रहा हूँ कि बड़ा एडवांस डेवलप्ड ज़माना आ गया, मतलब समझे आज से 50-60 साल 100 साल आगे का ज़माना है, ठीक है, सही, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, तो वैसे। अच्छा, और मैंने ये देखा कि मैं एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ना एक कॉन्वॉय है जो कि किसी फॉरेन कंट्री में है और वो होटल की तरफ जा रही है वहाँ स्टे करने के लिए, ठीक है। और मैं उसके ना प्राइम मिनिस्टर कौन है ये देखा? प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। ऑनेस्टली 2050 तक यार, 2050 तक ना रहे हैं वो भाई, इतना ना रहे हैं बस। ये ख्वाब है तो अच्छा सही है। अब ये मतलब ये चीज़ें नहीं लगेंगी, लेकिन जो नाकाबिले फरमोश जो चीज़ थी वो ये कि अच्छा इनिशियली मैंने ये देखा कि अच्छा अब उनको जब एंटर होना है ना उस होटल में, तो उससे पहले ना 2-3 गार्ड्स आ गए थे। एक सेकंड में चार्जर लगा लूँ, ये ना मेरा चार्ज हो जस्ट। चले हमज़ा, हम आपको थोड़ी देर में शामिल करेंगे क्योंकि आपका ख्वाब है ना, तो हम ख्वाब को थोड़ी देर रोक सकते हैं। और वैसे भी आज ज़रा स्ट्रीम जो है ना वो हमारी ख्वाब के रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप ज़रूर ज्वाइन करेगा थोड़ी देर में। शामिर हमारे साथ मौजूद हैं, होपफुली शामिर को आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम शामिर। वालेकुम सलाम मिनाज भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शामिर बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है, क्लियर नहीं है। ओके वेट, आप हैंड्स फ्री पे हैं तो हैंड्स फ्री हटा दीजिए। अब आई, अब कुछ बेहतर है, परफेक्ट हो गई जी। शामिर कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद कॉल किया आपने। हाँ जी मिनाज भाई, बस वो ट्रैवलिंग और काम, लेकिन आपकी स्ट्रीम जो है मैं कभी मिस नहीं करता। मैं जब भी आता हूँ तो मेरा यही कोशिश होती है कि जिस नई जगह मैंने विजिट किया मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो आप बताइए क्या इस दफा कौन सी जगह विजिट की और क्या देखा और क्या है एक्सपीरियंस। जी जी मैं आपको दो जगहों के बारे में बताऊंगा। एक तो मैंने खुद विजिट की है और दूसरा जो है मैं वहाँ खुद नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद मैं जाऊंगा तो जरूर आपको वहाँ की वेरीफाई करके दूंगा इन बातों के बारे में। अच्छा मनाली है जो फर्स्ट कंट्री है, बड़ी मतलब एक छोटी सी कंट्री है, इट्स इन द साउथ पैसिफिक, इट्स कॉल्ड सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड स्टेट है और वहाँ पे क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शंस हैं तो आई वेंट देयर फॉर सम वर्क। और वर्ल्ड वॉर 2 से काफी वो अफेक्टेड कंट्री रही है तो और बेसिकली एक आइलैंड स्टेट है। वहाँ पे उनकी इकोनॉमी है मोस्टली फिशिंग और इन चीज पे डिपेंड करती है। तो मिनाज भाई वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जाहिर है जब मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल हैपनिंग्स के बारे में डिस्कस करना है, तो मैंने लोगों से पूछा तो मुझे बताया लोगों ने कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो भी मतलब शिप्स थी जो डिस्ट्रॉय हुई थी और जो लोग थे, लोगों ने वहाँ पे जो है बेसिकली फिशरमैन ने ड्यूरिंग इवनिंग टाइम शिप्स देखी हैं जिनमें उन्हें लोग खड़े हुए नजर आते हैं जिनके कुछ के लिम्स नहीं होते, कुछ की आंखें नहीं, मतलब लोग खड़े हुए नजर आते हैं दूर से, एक देख कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का एक टांग नहीं है, किसी की आगे कुछ बॉडी का पार्ट गायब है, कुछ गायब है। तो ये बहुत सारे लोगों ने हैपनिंग्स देखी हैं वहाँ पे कोस्ट लाइन के से कोई कहते हैं जब हम फिशिंग करते हैं वहाँ पे आगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था तो मैंने इसके बारे में पूछा वहाँ पे आसपास कि यार ये कौन मतलब एक तो जिन लोगों ने देखी है उनसे डायरेक्टली भी बात की क्योंकि लोगों को इंग्लिश वहाँ पे कम आती है तो ट्रांसलेटर के थ्रू बात की तो उन्होंने कहा कि होता ये है कि इधर मिथ ये है कि जो सोल्जर्स अपने घरों को वापस जा रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब मतलब अटैक हुआ और सारी चीजें हुई तो ये वो लोग हैं who are still finding their way home but they can't because their souls are lost। वहाँ के लोगों का ये मानना है, ऑब्वियसली हम मुस्लिम हैं हम तो इस चीज को बिलीव नहीं करते लेकिन ये बड़ा एक वैलिड फैक्ट है जो और मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा वहां पे जो इस बात को डिनाई करता हो कि हाँ भाई अगर किसी एक बंदे ने देखी है ना और वो किसी दूसरे को बताता है तो वो हर कोई इस बात को मानता है, जिसने नहीं भी देखी वो भी दूसरी बात को मानता है। कोई ऐसा बंदा वहां पे मैंने नहीं देखा कि जो इस बात को डिनाई करता हो कि भाई कोस्ट शिप्स वहां पे नहीं है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था और स्पेसिफिकली जो मतलब मुझे वहाँ की बात पसंद आई वो ये थी कि देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर एवरी ओपिनियन। वहाँ पे एक गोंडा कैनाल करके एक है उनकी एक जगह है बेसिकली ना वहाँ पे वो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो हैपनिंग्स हैं वो इस तरह की वो ज्यादा देखी जाती है। आइलैंड स्टेट है लेकिन दिस वाज अ वेरी कीन थिंग फॉर मी कि हम लोग तो बात करते हैं पैरानॉर्मल की यहाँ पे कि यार ग्रेवयार्ड में सेमेटेरीज में और दैट, लेकिन वहाँ पे लोगों को पूरी किश्तियां नजर आती हैं जिसपे लोग खड़े हुए हैं। और ये अभी स्ट्रीम की शुरुआत में मैंने जो वाकयात बताए थे शुरू में बिल्कुल उसमें एक शिप का भी ऐसी था जिसे उस बाय द वे जो मैंने वाकया शुरू में बताया था अगर आप सर्च करना चाहें तो उस शिप का नाम था क्रिसमस ट्री शिप उसको लोग बोलते थे, लेकिन उसका रॉस सिमंस करके नाम था, ऐसी कुछ नाम था, मुझे अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इस तरह की तो बहुत सारी पैसिफिक कोस्टल आइलैंड पैसिफिक कोस्ट पे इस तरह के बहुत शिप्स नज़र आती हैं जिसको गोस्ट शिप कहते हैं, जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले गायब हो गई थी और अभी जो लोग समंदर पे वो जा रहे होते हैं बड़ी बड़ी शिप्स में जो कंटेनर्स जा रहे होते हैं या फॉर दैट मैटर नेवी की भी ड्रिल्स हो रही होती तो उन सब ने ही इस तरह की शिप्स अक्सर देखी हैं। बाय द वे पाकिस्तान में भी एक शिप ऐसी नजर आती है। कौन सी मिलाज भाई? अब नाम नहीं पता मुझे शिप का लेकिन जो आप जब आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना समंदर जाते हैं नहाने धोने के लिए, सही है सिर्फ इसलिए जाते हैं, लेकिन समंदर में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो की जा सकती हैं जैसे फिशिंग। बहुत कम लोग जाते हैं फिशिंग पे। आप जाएं फिशिंग पे तो आप जब आप उन लोकल्स के साथ जाते हैं ना, मुबारक विलेज से स्पेशली या किसी और जगह से, जहाँ से भी आप जाना चाहें, यूजली मुबारक विलेज से ही कश्तियाँ जाती हैं सारी, सब सारे मछेरे जाते हैं। तो आप उनके साथ बैठ के जाएं और आपको वो ऐसे ऐसे वाकयात बताएंगे, समंदर के ऐसे ऐसे बताएंगे कि आप लोग कहेंगे यार ये हो ही नहीं सकता। और जी, कोई नहीं, और कोई ऐसे नहीं कि वो झूठे हों या वो मैन मेड स्टोरीज हो, असल है। मिनाज भाई मैं खुद अच्छा, सबसे पहले तो एक और आपको बात बताऊंगा यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। वो जो शिप्स नजर आती हैं जो आप बात कर रहे हैं जिनकी स्पेसिफिकली, वो शिप्स हैं जो गायब हुई थी, मतलब जो लॉस्ट एट सी। ये वो शिप्स हैं जो जो सिंक हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के एम्यूनेशन फाइट और इन चीजों के दौरान, और जिन पे लोगों की बात बाकी हुई थी। ये वो संकन शिप्स हैं। एक की डिफरेंस ये है जो सोलोमन आइलैंड्स की हैपनिंग है उसमें, ठीक है, कि वो डिसिप्लिन नहीं हुई थी, वो संक हुई थी। बिल्कुल, वो संक हुई थी और उसमें सोल्जर्स थे। और जो लोगों को नजर आती हैं चीजें वो ये है कि किश्तियों के ऊपर हाथों के बगैर, पाँव के बगैर, जिसम कटे हुए लोग दूर दूर से नजर आते हैं मगरिब के टाइम। अच्छा, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये कि मैं खुद मिनाज भी, क्योंकि इतफाक हुआ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स के साथ काम करने का जो पाकिस्तान में है, तो आई पर्सनली हैव वेंट अबाउट 120 नॉटिकल माइल इनटू द सी। लेकिन ऑब्वियसली वो कोई मछेरे वाली कश्ती नहीं थी, वो एक पूरी बाकायदा मतलब एक प्रॉपर्टी। तो मिनाज भाई एक फीलिंग ही अलग। शामिल आपकी आवाज चली गई, नहीं आ रही आवाज। हाँ अब आ रही है जी। आप कह रहे थे 120 नॉट पे जा रहे थे, उसके बाद आपकी आवाज कट गई थी। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब एक फीलिंग ही अलग होती है ये वाली कि इंसान जब समंदर में है और उसके आसपास जो है ना कुछ भी नहीं है और कोई इंसान दूसरा नहीं है, और वो वाकई में एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है कि ऐसा लगता है कि हम एक अनइनहैबिटेड प्लैनेट हैं। शामिर, मैं जो ना 14 या 15 साल का था, तो मेरे रिश्तेदार जो है ना उनको फिशिंग का उस ज़माने में बहुत शौक था, और उस ज़माने में हम समंदर के ना वो उस हद तक भी जा सकते थे जहाँ पे वो इंटरनेशनल वाटर्स आ जाता है। तो उस वक्त इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो काफ़ी हम 2, ढाई, 3 घंटे का 4 घंटे का सफ़र हमने तय किया था, मुझे याद है। और मैं अपने कज़न के साथ चला गया, वालिद के साथ। तो जो मैंने और इत्तेफाक ये हुआ कि बीच समंदर में जाके हमारी कश्ती ख़राब हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी शिप थी, ख़राब तो होनी थी। अब जो लोग बैठे हुए थे उसमें, जो चलाने वाले थे, उनके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात थी कि शिप ख़राब हो गई। तो हमने उनको देखा कि हो सकता है वो परेशान, पैनिक कर रहे हों, लेकिन वो बिल्कुल, उन्होंने सबने अपनी सिगरेटें निकाली, अपने हंसी मजाक बातें करना शुरू कर दी। तो हमने पूछा कि भाई अब क्या होगा जब शिप ख़राब हो गई? कह रहे सर अब दूसरी कश्ती का वेट करें, वो आएगी तो वो हमें टो करके लेके जाएगी। हमें कहा चलो सही है, अब क्या कर सकते, कुछ करने। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने उस रात जो मैंने उस बीच समंदर में गुजारी थी, मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, इतने रंग देखे मैंने। एक अजीब फिनोमेना देखा मैंने कि हमारी कश्ती बीच समंदर पे बस बेचारी, क्या कहते हैं उसको, वो हल्की हल्की वो जो लहरों के साथ इधर से उधर हो रही थी। कश्ती की बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो पानी से टच हो रहा होता है, जहाँ से वो कट रहा होता है और पानी आप जा रहे होते हैं आगे, वहाँ पे मैंने ब्लू कलर की लाइट देखी, पूरी ब्लू कलर की लाइट, और प्रॉपर ब्लू कलर की लाइट। ये नहीं कि कोई हल्का सा बस सिल्वर था ब्लू का या हल्का सा शेड था, नहीं, प्रॉपर ब्लू लाइट मैंने देखी। मैं उस वक्त, मुझे अब याद नहीं कि मैंने, आई एम श्योर सवाल तो किया होगा, सवाल तो मैंने पैदा होते ही किया था कि रोते में भी मैंने पूछा था सही है। तो मुझे अब याद नहीं, किसी ने मुझे फिनोमेना बताया था कि ये समंदर पे जब चांद पूरा होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन से इस तरह की कलर्स बनते हैं। फिर एक पॉइंट पे मैंने अजीब व गरीब, वो जो अब मैं बोलूँगा तो वैसे ही बोलूँगा, लाइट वाली जो मछलियाँ नहीं होती वो देखी। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने बहुत सारे स्टार्स देखे, बहुत, मतलब इतने मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। और वो टूटते तारे भी देखे। अब पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अब मुझे, इतनी पुरानी बात है, याद ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, ये एक दफ़ा आप ज़िंदगी में जाके एक्सपीरियंस करें, अपार्ट फ्रॉम वो हॉरर स्टोरीज और वो सब, उसके लिए नहीं कह रहा मैं, वैसे ही कह रहा हूँ कि आपको रियलिटी पता चले, आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है अपने आप से बात करने का, क्योंकि आप कुछ कर तो सकते नहीं, बीच समंदर में क्या करेंगे, ज़्यादा क्या डुबकी लगा लेंगे बस, दैट्स इट। और इतने बड़े स्विमर तो होंगे भी नहीं कि 3 घंटे आप स्विमिंग कर रहे हैं अंदर जा, या फिर आप चले भी गए, अंदर भी चले गए, जो समंदर के अंदर की दुनिया आपको देखने को मिलती है वो आप सब परेशान हो जाएंगे कि हम कितना दूर हैं इस सच्चाई से। हमें लगता है कि हम सच्चाई के करीब हैं, लेकिन नहीं, हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। खैर, आप कुछ और बोल रहे थे, कुछ और अपने बारे में भी बता रहे थे। इनको ल्यूमिनस फिश कहते हैं। अच्छा, दूसरा, क्योंकि और लोगों को टाइम देना है, मैं बस दूसरा आपको बता दूं कि मीनार पे मल्टीपल कल्चरल एस्पेक्ट्स के लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। तो अभी रिसेंटली मतलब एक जापानीज, क्योंकि हम तो अभी जापान नहीं जा सकते, तो इस्लामाबाद में हमारे एक जापानीज डेलीगेशन आई हुई थी, उनसे मुख्तलिफ ज़ाहिर बातें चीज़ें शुरू होती हैं। तो इट इज़ माई सॉर्ट ऑफ हैबिट कि मैं जो है कैजुअल कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ स्लिप कर देता हूँ कि यार आपके मतलब व्हाट्स इट लाइक इन योर कंट्री। तो अच्छा, तो होको अर्थक्वेक आया था 2011 में जापान में, जिसका एपिसेंटर पैसिफिक ओशन था। 9.1 रेक्टर स्केल पे उसकी सुनामी होगा वो तो। हाँ जी, सुनामी आया था। अच्छा, सुनामी हो, अब वहाँ पे ये फिनोमिनॉन होता रहा है और आज तक भी होता है कि टैक्सी ड्राइवर्स को, जो वहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको रात को स्टूडेंट्स, लोग, वर्कर्स जो पानी में भीगे हुए हैं, वो उनको खड़े मिलते हैं कॉर्नर्स पे, वो गाड़ी में बैठते हैं उनके, और वो जो है ना, वो गाड़ी चलाते हैं और वो बीच रास्ते में गाड़ी से गायब हो जाते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है। ये मैंने मतलब वहाँ पे जो बंदे बता रहे थे, वन ऑफ देम हैड एन अंकल जिनकी एक कैब सर्विस कंपनी थी। तो अब ये इतना वहाँ पे कॉमन है हो चुका है कि लोग अब इसको बिल्कुल नॉर्मली लेते हैं। वो बस वो लोग, उनको गीले लोग नजर आते हैं, उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं और वो चलते रहते हैं। अब कोई इससे डरता नहीं है वहाँ पे। अब एग्जैक्टली सबको पता है कि वो लोग थे जो सुनामी के टाइम पे घर जा रहे होंगे या मारे गए थे, काम से जा रहे होंगे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। गालिबन आपको इसके बारे में शायद नेटफ्लिक्स पे कोई एपिसोड भी मिल जाए, मुझे उस बंदे ने बताया था। तो हाँ, ये जो आप बता रहे हैं, वाकई ये मुझे याद नहीं आ रहा। एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे ही, कोई लास्ट ईयर आई थी, उसका नाम क्या था, आई एम श्योर कभी कोई चैट पे जो ना बता देगा फौरन। हाँ जी, तो ये मेरी तरफ से 2 थे। अब बाकियों को टाइम देते हैं, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जहां मैं कहीं गया तो फिर मैं आपको जरूर कॉल करके उसका वाकया डेफिनेटली। शामिल, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, 2 घंटे 18 मिनट की स्ट्रीम हो चुकी है। अब देखते हैं कि हम 3 बजे तक 3 घंटे की स्ट्रीम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ करने की। अच्छा जी, ज़रा चैट की तरफ नज़र दौड़ाते हैं भैया, चैट पे क्या क्या बातें हो रही हैं। नमक माना समंदर में जल परी देखा है? माना समादार में जल परी देखा है। भाई कौन सी ज़बान बोल रहे हो तुम, समझ ही नहीं आई तुम्हारी ज़बानों में। रोज सिमंस शिप नाम है, हाँ थैंक यू। अच्छा जी, किसी ने कहा कि अनसॉल्व मिस्ट्रीज़, थैंक यू सादिया, थैंक यू। अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ में ये एक स्टोरी जो है वो जापान की है और उसी सुनामी से रिलेटेड है कि सुनामी के बाद किस तरीके से वहाँ के रहने वालों के एक मखसूस जगह है, उधर जो है वो लोग नज़र आते हैं जो उस सुनामी में मारे गए थे। सुदेश, थैंक यू सो मच। नुमान, आपका भी शुक्रिया। शाहजेब आरिफ, डॉक्टर साहब, नदीम अहमद, ओके थैंक यू। यास्मीन कुरैशी, आपका भी शुक्रिया। अच्छा जी, बढ़ते हैं सही, एक दफ़ा रुके। नबील बट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, किसी ने कहा मिनाज भाई आप इतनी लंबी छोड़ियाँ क्यों मारते नहीं यार, मैं नहीं छोड़ियाँ मारता, मैं जो सच है वो बता देता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 15 साल की उम्र में बीच समंदर नहीं गया तो मैं आपको पूरा वाक़या बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है वैसे वो, क्योंकि ये आई थिंक 95 या 96 ऐसी किसी साल की बात है। वो पहला टाइम था जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुबारक विलेज देखा था। और मुबारक विलेज अभी जैसा है मुझे नहीं मालूम, बहुत अरसे से मैं नहीं गया, लेकिन जब मैं पता नहीं कितनी साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मुझे याद है कि वो हमारी कश्ती जो है ना साहिल के बिल्कुल करीब तक वो टो करके कोई बंदा हमारी दूसरी कश्ती को ले गया, और जब मैंने जंप मारी पानी में समंदर में तो इतना क्लियर था कि मुझे अपने मतलब नाखून नज़र आ रहे थे, इतना क्लियर था, इतना क्लियर था। तो ये मैं 96 95 96 की बात कर रहा हूँ। अब मुझे उसका हाल नहीं पता। Your stories are believable. भाई believable इसलिए क्योंकि वो असली हैं, झूठी नहीं है ना। अगर झूठी कहानियाँ सुनाने लगूंगा तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा अगर झूठ बोल रहा है, बना बना के बोल रहा है। एंड आई डोंट बिलीव इन झूठी कहानियाँ। खैर ये तो मेरा अपना मानना है, आपको जो लगता है लगे। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं आंसरेबल किसी को भी नहीं हूँ। दूसरा ये कि नदीम अहमद कहते हैं मिनाज भाई आप इंडिया आए हैं? हाँ एक दफ़ा आया हूँ नापा के दिनों में, एक थिएटर प्ले करने आए थे हम लोग दिल्ली। ओके बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हमारे साथ आसिफ अली हैं, होपफुली उनको आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम आसिफ, कैसे हैं? जी जी मिनाज भाई बिल्कुल ठीक। और आसिफ थोड़ा सा माइक से दूर हो जा मेरे भाई, माइक से मोहब्बत कर, इतनी ना करके हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए। थोड़ा सा दूर हो जा माइक से। अब आ रही है सही आवाज? मैं आवाज तो सही आ रही थी, बस फर बहुत हो रही थी। अच्छा, अभी भी हो रही है, अभी भी। तू एक काम करो, सारे सांस पूरे घर को बुलाओ और माइक पे सांस ले लें सबके सब, पूरा मोहल्ला सांस ले ले। अब बेहतर? हैंड फ्री लगाई हुई है आपने? जी जी हैंड फ्री लगाई हुई है। निकाल हटा दें इसको। हाँ इसको निकाल के डायरेक्ट फोन पे बात करें जैसे किसी माशूका से बात कर रहे हैं। जी हेलो, अब आई आवाज? जी परफेक्ट। जी आसिफ क्या बात है? जी मिनाज भाई आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से सुनता हूँ, और रेडियो जब से आप करते थे तब से मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने चाचा का वाक्य सुनाना चाह रहा था आपसे। बताइए। तो ये 7-8 साल पुराना वाक्य है। हमारा दादी का घर होता था करीमाबाद पे, तो वो खैर बिक गया है। तो वहाँ पे जो असरात हुआ करते थे अच्छे जिन के, जैसे बुरे जिन भी होते हैं अच्छे जिन भी, तो वहाँ पे जो असरात थे वो अच्छे जिनों के थे। आवाज आ रही है मिनाज भाई? जी भैया आ रही है, बताता रहे अपना वाकया। जी जी तो हमारी चाचा जी थी, तो हम सब गाने वाने लगे हुए थे। तो खैर वो रात तो गुजर गई गाने वानों में। तो हमारी दादी को भी ख्वाब में एक बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं जिस जगह ये बच्चे शोर कर रहे थे गाने बजा रहे थे यहाँ से आप लोग हट जाएं, यानी कि इस कमरे को छोड़ दें। और इस कमरे में टीवी भी लगा हुआ है जिसपे हम लोग वो लगा रहे थे गाने, जो शो लगा रहे थे, वो आप यहाँ से हटा दें। सही। तो दादी ने अगले दिन हमें सब बताया। तो फिर हम सब वो टीवी जो साउंड समझो भी था सब हटा के उसको रख दिया। तो दादी को उस दिन के बाद से जो ना बुजुर्ग नजर आया करते थे। वहाँ पे ड्राइंग रूम था वो असल में ना, तो ड्राइंग रूम ज्यादातर फिर बंद रहा करता था। यूज करते थे लेकिन इतना यूज नहीं करते थे फिर। तो ये वाकया था। हमारी दादी ने अगले दिन हमें ये बताया कि बेटा हमारे सारे साउंड सिस्टम वगैरह जो है सब हटा दें। कि कोई बात बुरी लगे, उनको अच्छा नहीं होता ना इस तरह से। दादी से पूछते कि अगर इन साउंड सिस्टम पे हम छोड़ें, खैर ऐसी बात ही नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी जी मिला रही, अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, फ़हद हमारे साथ मौजूद हैं। होपफुली फ़हद हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी मिनाज भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको मिनाज भाई? हाँ, मुझे लग रहा है शो का नाम चेंज करके मेरी आवाज़ आ रही है यही रख देते हैं, बेस्ट रहेगा। नहीं, असल में मैंने जी मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ और मैं अपना एक, मेरे पास दो, मेरे साथ कुछ वाक़यात हुए हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वाक़या जो कि मैं जब स्कूल लाइफ में था उस वक्त मेरे साथ वो पेश आया था। एक्चुअली जो स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस होते हैं तो उसकी प्रिपरेशन होती है जो कि बैक यानी कि कुछ दिनों पहले जो है वो तैयारी वगैरह करवाई जाती है। सही। तो वो तैयारी बेसिकली जो हमारी हेड मैडम थी वो करवाती थी। तो उन्होंने मतलब पूरी टीम आती थी जिसमें वो यानी कि जो बैंड वैंड वाले होते थे वो सारे मौजूद होते थे वहाँ पे। सही। तो हुआ इस तरह कि उन्होंने बेसिकली जो है वो लस्सी मंगवाई मुझसे कि बेटा नीचे जाके आप लस्सी लेके आ जाए। सही। तो हेड मैडम जो हमारी थी उन्होंने कहा कि जो बैंड वाले हैं उनके लिए, आप सबके लिए लस्सी लेके आ जाए। तो मैं जो हूँ वो नीचे दुकान में गया और लस्सी दे के ऊपर आया। अच्छा, ये उस दौरान की बात है जब हमारे स्कूल में जो सर्दी गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं, वेकेशंस होती हैं, उस वक्त की बात है। ये सारी प्रिपरेशन वगैरह हो रही थी उस दौरान। तो स्कूल में कोई भी नहीं था, सिर्फ जो ऊपर वाला फ्लोर था वो ऑक्यूपाइड था, मतलब वहाँ पे ये सारी चीज़ें रिहर्सल्स वगैरह हो रही थी। सही। तो मैं लस्सी के गिलास लेके जो है वो जो एक गेट है उस तरफ से स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जाने लगा। तो सेकंड फ्लोर पे जब मैं पहुंचा तो वो बिल्कुल खाली था। तो मुझे इस तरह फील हुआ कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है, मेरा नाम मतलब कॉल किया है फ़हद करके। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ कि मतलब ये पूरा फ्लोर खाली है, क्योंकि मुझे पता था सिर्फ ऊपर जिनकी मतलब जो जिन्होंने मतलब प्रोग्राम में आना था, जो फंक्शंस में जिन्होंने परफॉर्म करना था, सिर्फ वो लोग वहाँ मौजूद हैं। तो वो ऊपर हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो मैं वापस आया, मतलब 2-3 स्टेयर्स में चढ़ा था तो वापस जो जैसे दीवार की दूसरी वाली जगह होती है वहाँ मैंने झांक के कोशिश की कि कोई कौन है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। तो मुझे एक वाइट कलर की कोई चीज़ नज़र आई और वो एकदम से गायब हो गई। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ और मैं लस्सी का गिलास मैंने वहीं पे फेंक दिया और मैं ऊपर भाग के वहाँ जाके खामोशी से बैठ गया। तो हेड मैडम ने मुझे, मतलब जो हमारी हेड थी मैडम, उन्होंने मुझे देखा कि फ़हद मैंने आपसे कहा था कि आप लस्सी वगैरह जो चीज़ें लेकर आनी थी उसका क्या हुआ। फिर उन्हें मैंने बताई चीज़ें कि सर मैम इस तरीके से मेरे साथ जो है वो चीज़ें हुई हैं। और मैं बोला होगा कि मैडम लस्सी को बाहर में डालने मेरे लसन लगने वाले थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो खैर वो काफ़ी उन्होंने मुझे काम डाउन किया। उन्होंने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकता, आपका वहम हो, किसी ने कोई बदतमीजी की हो, कोई शरारतें की हो। तो मैंने कहा मैम वैसे मुझे जो फीलिंग थी, मेरी जो फीलिंग थी वो काफ़ी अजीब थी उस वक्त, मुझे नहीं लगता शायद किसी ने शरारत की हो। तो बहरहाल एक तो ये वाक़या था। दूसरा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया, मैं बेसिकली 2012 की बात है और मैं एक साइट ऑफिस मतलब साइट जो कि हमारी हैदराबाद में एक साइट है वहाँ पे मैं वर्किंग करने गया था अपनी टीम के साथ। सही। तो मेरी टीम में 2 लोग थे और वो हैदराबाद के जो जेल है वहाँ पे हमें कुछ रोड ब्लॉकर्स होते हैं वो इंस्टॉल करने था और वो फिर हमें वापस सेम डे में आ जाना था। तो मैं अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के साथ वहाँ पे गया, वहाँ इंस्टॉलेशन वगैरह करवाई। तो रात के वक्त हमारी वापसी थी। तो जो मेरे टेक्नीशियंस थे वो यानी कि हम 3 लोग थे मुझे मिला के। तो हम वापस हैदराबाद यानी कि हम गए थे बस के थ्रू और वापसी हमने ये सोचा कि हम बस के थ्रू नहीं आएंगे, हम अड्डे से कोई प्राइवेट जो कार होती है, जो वहाँ काफी सारे लोग खड़े होते हैं प्राइवेट कार लेके, जो कि कराची आ रहे होते हैं, कराची, हम उनके साथ बैठकर, मतलब हम हायर करेंगे और आ जाएंगे उनके साथ। तो हम अड्डे पे पहुंचे तो वहाँ पे मैंने देखा, मतलब हमने देखा कि एक सिविक एक बंदे के पास थी, वो मतलब वो बंदों को बोल रहा था कि अगर आपने चलना है तो आप चलें। तो हमने उनसे बात की, खैर नेगोशिएशन की, तो वो चीज़ तय हो गई कि ठीक है हम आपको छोड़ दें, वहाँ तक ले जाऊँगा मैं, लेकिन एक बंदा अगर और हो जाए ताकि वो चार बंदों की जो कैपेसिटी है वो कार में पूरी हो जाए। तो पैसों में भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि उसने कहा कि इस तरह आपके पैसे भी कवर अप हो जाएंगे। नेगोशिएशन के दौरान ये चीज़ हुई थी। तो एक बंदा जो है वो वाइट शलवार कमीज़ में, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किसी कोई जैसे पॉलिटिकल पार्टी से, वो हमें उस वक्त ऑन साइट मतलब देखने में इस तरह लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा है। बहरहाल हमने खैर इतना वो नोट नहीं किया, हम पीछे तीनों बंदे बैठ गए उस कार में और वो आगे बैठ गया। अच्छा, हम जब हैदराबाद से चले तो रास्ते में मतलब वो उसके पास डिफरेंट कॉल्स आती नहीं, वो ऐसा हमें फील हुआ कि वो कोई इलाके का अपने ज़िम्मेदार टाइप का बंदा है और उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ भी है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो उसने उतरना था सफूरा बोर्ड पे। तो रास्ते में जब हम बिनाज में, आपने वो जगह देखी होगी जो कि एक हाईवे से मलीर की तरफ रास्ता निकलता है, डाइवर्जन, जब हम बहरिया टाउन के बाद आते हैं, बहरिया टाउन से आते हैं, हाँ बिल्कुल, बहरिया टाउन के फौरन बाद ही आते हैं वो। जी बिल्कुल, मेरा ऑफिस जो है वो शाहरा फैसल पे उस वक्त था जिसमें मैं जॉब करता था पहले। तो वो रूट लिया आपने? जी आपने वो रूट लिया? जी जी, वो ड्राइवर ने बेसिकली, उसने ड्राइवर को गाइड किया कि आप जो है ना इस वाले रूट से चलें। तो ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर मतलब बहुत हमारा जो बहुत मतलब अच्छा बंदा था, उसने चलते हुए भी हमें कहा कि आप वो पढ़ लें, मतलब आयतुल कुर्सी पढ़ लें और दुआ सफ़र की दुआ पढ़ लें, सारी चीज़ें उसने हमें बताई। तो खैर हमने उस तरह की, तो बहरहाल बीच में उसने हमसे कहा कि आप जो है ना वो इस तरफ से जो है वो डाइवर्जन, या इस डाइवर्जन से आप जो है वो सफूरा की तरफ ले लें। तो उसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो राइट साइड पे एक और रास्ता कच्चे से निकलता था, उसने कहा आप इस वाले रास्ते से जो है ना वो ये शॉर्टकट है यहाँ से ले लें। तो ड्राइवर कहने लगा कि सर सॉरी मैं इस रास्ते से नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त, अच्छा रात के ये जो ट्रैवलिंग हो रही थी क्योंकि 10 बजे हम अड्डे पे पहुंचे थे, तो तकरीबन कोई 1:30-2 बजे का वक्त था जो कि ये, या 2:30 बजे का आई थिंक वक्त था जब ये चीजें हो रही थी उस वक्त, जब वो कह रहा था लेट नाइट एग्जैक्टली। तो जब उस जगह से वो काफ़ी इसरार करने लगा कि यहाँ से चलें, तो उसने कहा कि मैं इस जगह से नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे उस एरिया में कोई पुराना ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान है, वहाँ पे काफ़ी पुराना कोई, वो कह रहा था आप यहीं से चलें क्योंकि ये शॉर्टकट है। तो वो कहने लगा यार देखो पहुँचाना मैंने है, काफ़ी थोड़ी सी मतलब उससे बहस मुबाहिसा की सी एक सिचुएशन बन गई और वहाँ पर शुरू हो गई ये चीज़ें। तो बहरहाल उसने कहा कि यार यहाँ से ग्रेवयार्ड भी है और मुझे बेहतर नहीं लगता कि रात, ड्राइवर कह रहा था कि बेहतर नहीं लगता कि रात में हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो बहरहाल उसने काफ़ी इसरार किया, तो ड्राइवर ने कहा कि यार आप लोग आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लें, और उसने काफ़ी हमें मतलब, मैं काफ़ी मतलब डर गया, मैंने बोला यार ये क्या चीज़ें हो रही हैं अचानक से गाड़ी में। तो बहरहाल उसने वो उस जगह से मतलब वो राज़ी हो गया कि मैं चलता हूँ। तो जब वो मिनाज भी, जब हम बीच वहाँ पहुँचे ना ग्रेवयार्ड, तो जाहिर सी बात है वो उसकी दीवार थी और रोड प्रॉपर डबल रोड, यानी कि कच्चे रोड डबल रोड था वहाँ पे, जो मुझे अभी याद है इस वक्त इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन जो ग्रेवयार्ड का गेट था उसके बिल्कुल सामने जो है वो कांटे लगे हुए थे, मतलब जो कच्चे कांटे होते ना वो लगे हुए थे वहाँ पे। तो ड्राइवर ने एकदम से जैसे ही वो कांटे देखे ना फौरन बोला कि देखा मैंने आप लोगों से ये बात कही थी ना कि ये जगह सही नहीं है जाने के लिए, ये जगह इस वक्त बेहतर नहीं है और अब क्या करें बताएं। तो वो बंदा जो कि आगे बैठा हुआ था जो इसरार भी कर रहा था वो उतर गाड़ी से, मतलब वो कहते हैं कि मैं उतरता हूँ और ये कांटे हटा देता हूँ लेकिन जाना आपने यहीं से। अब खैर बहरहाल वो नीचे उतरा, उतर के उसने वो कांटे वाटे वहाँ से हटाए और उसके बाद गाड़ी मतलब वो जाहिर सी बात है वहाँ से निकल गई। अब वो काफ़ी ड्राइवर जो था वो गुस्से में था कि यार ये मैंने मना भी किया था उसके बावजूद ये सारी चीज़ें, मतलब उसने मुझे यहाँ से लेके जा रहा है। वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दिल में ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोल रहा है। तो बहरहाल वो हमें फिर अपना रास्ता उसने बताया, इधर उधर से लेने, इधर से अपने घर वो उतर गया, जो उसकी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे वो ड्रॉप ऑफ हो गया। फिर हम में से एक बंदा आगे जाके बैठ गया, तो फिर वो ड्राइवर जो था वो हमें बताने लगा कि ये जगह जो है वो काफ़ी ख़तरनाक थी जिस जगह से हम आए हैं, और उसके दोस्त के साथ कोई इस तरह की चीज़ हुई थी कि वो सुबह के वक्त वहाँ पीछे कैंटमेंट की तरफ रहता था, वहाँ से वॉक करते हुए उस जगह पे आया था और उसने कोई इस तरह की चीज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो फील की थी। बहरहाल तो हमने ये सारी बातें उसकी सुनी, उसने हमें हमारे ऑफिस तक ड्रॉप किया जो कि शारा फैसल पे मेरा ऑफिस था, वहाँ तक बलोच पुल पे मेरा ऑफिस था। तो वहाँ उसने हम तीनों को ड्रॉप ऑफ किया। अच्छा, अब क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो वो हमसे मतलब उससे थोड़ी बातचीत हो गई थी, तो मैंने उससे बताया कि मैं जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता हूँ। तो उसने कहा कि आप इस वक्त कैसे जाएंगे, मैंने कहा मेरे पास बाइक है मैं उससे जाऊँगा। तो वो मुझे कहने लगा कि आप जो है ना वो मेरे साथ चलें, मतलब मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूंगा, बाइक आप लेके ना जाए। तो मैंने कहा नहीं आप चले जाएं, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगा। तो खैर वो कहने लगे कि ठीक है मैं यहाँ थोड़ी देर तक वेट करता हूँ, अगर आपने चलना हो तो आप मेरे साथ बाइक उस पर चलें, कार पे बाइक पे ना जाएं रात के वक्त। तो मुझे बात अच्छी यानी कि मैंने कहा यार ये इतना मुझसे क्यों वो हो रहा है। बहरहाल मैंने कहा कि ठीक है आप चले जाएँ, मैं चला जाऊँगा। मैं वापस ऊपर ऑफिस गया और ऑफिस से मैं पार्किंग में जब नीचे गया हूँ मिनाज भाई, तो पार्किंग मतलब बिल्कुल अंधेरा था, वहाँ पार्किंग हमारी बेसमेंट में थी। अच्छा, मैं मोबाइल मेरे पास उस वक्त वो बटन वाले होते थे, तो मैंने उससे टॉर्च लाइट अपनी जलाई और नीचे की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो वो टॉर्च इतनी सही काम नहीं कर रही थी। तो मैं अपनी बाइक तक खैर पहुँचा, तो मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था तो बाइक मेरी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया कि क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे साथ होते हुए आई थी जो कि रास्ते में हुई और इस तरह की चीज़ें हुई, तो मेरे जो मेंटली जो एक वो था ना, मैं डरा हुआ था। तो मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही और नीचे अंधेरा था। तो बहरहाल मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से बाइक को मैं ऊपर यानी कि जो बेसमेंट है तो मैं किसी तरीके से ऊपर अपने जो नॉर्मल फ्लोर है ऊपर वाली जगह जो है रोड की तरफ वहाँ चला जाऊँ किसी तरीके से। सही। तो बहरहाल मैं ऊपर जब वहाँ से पार्किंग से लेके निकला और चढ़ा जो एक जो होता है ना रैंप टाइप का, वहाँ से ऊपर तक पहुँचा तो वो गेट लॉक था पार्किंग वाला। तो बहरहाल मैंने गेट पे गाड़ी को लगा के वहाँ रोकी, बाइक को रोकी कि किसी तरह के वहाँ रुक जाए, और फिर मैंने गेट खुद से खोल के बाहर निकला। अब मिनाज भी मैंने बाइक में जब चेक किया तो हुआ ये कि जो बाइक के जो प्लग का कैप होता है वो किसी ने मतलब चुरा लिया या क्या गए, वो वहाँ प्लग उस वक्त था नहीं उसमें। तो खैर मैंने ये किया कि टेम्प्रेरी तौर पे जो है वो वायर अपने प्लग के ऊपर मतलब उसको कनेक्ट कर दिया कि किसी तरीके से बाइक स्टार्ट हो जाए और मैं घर तक पहुंच जाऊँ। अच्छा मिनाज भी, अब मैंने बाइक स्टार्ट करी है और शारा फैसल के वो जो रास्ता है जो कि एक स्टेडियम से होते हुए जाता है उस रोड पे मैं चल रहा था, कारसाज और वो कनेक्टेड वो जो स्टेडियम की तरफ जा रहा होता है। अब मिनाज भी, मेरी बाइक की जो स्पीड थी ना वो तकरीबन 90 या 100 मैंने की हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो मेरी बाइक है उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सही। मैं काफ़ी परेशान हुआ कि ये मैं इतनी तेज़ बाइक चला रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बाइक बहुत स्लो चल रही है। बहरहाल मैंने कहा हो सकता है कि क्योंकि कोई भी मेरे इर्द गिर्द नहीं है और मैं स्पीड में ही चल रहा हूँ, मतलब मैंने ये एज्यूम किया कि हो सकता है मेरी बाइक 100 पे ही चल रही हो। 100 कांटे पे तो शो हो रहा था लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा था कि मेरी बाइक 100 पे चल रही है। बहरहाल मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब मैं अपने घर पे पहुंचा हूँ तो मेरे भाई, बेसिकली मैं अपार्टमेंट में उस वक्त रहता था, तो भाई मेरा आया, गेट ओपन डोर उसने मतलब ओपन किया, तो मुझे वो काफ़ी कहने लगा यार इतनी रात हो गई है तुम बताते भी नहीं हो और लेट नाइट आ रहे हो। बहरहाल मैंने उससे एक्सक्यूज़ किया। वो अपने रूम में अकेले सोता था तो वो वहाँ पर जाके लेट गया, मतलब सो गया वापस, जिस तरीके से वो उठ के आया था वापस चला गया। तो मैं फ्रेश होने लगा तो अचानक से वो मेरे पास उठ के आया, बोलता है भाई ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है। तो ये आपके भाई ने बोला? जी, मेरे भाई उसी वक्त वो मेरे पास वापस आया और मुझे आगे कहने लगा कि भाई मैं हल्का सा मतलब लेटने गया तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरा गला दबा रहा है। तो मैंने कहा यार ये तुम्हारा वहम होगा, अभी मैंने तुम्हें हो सकता है कि अचानक उठा दिया है, इस वजह से तुम्हें इस तरह की फीलिंग आ रही हो कि कोई गला दबा रहा है, तुम सो जाओ कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं अपने रूम में, मैं उस वक्त अकेले रूम में मैं भी सोता था, तो मैं जाके लेट गया। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आता है, भाई मैं सही कह रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं जब सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई मेरे ऊपर बैठ रहा है। तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे साथ सो जाओ। तो हम दोनों जो है वहाँ पे, वो मेरे रूम में ही सो गया। फिर जो दूसरा भाई था मेरा, हम बेसिकली चार भाई हैं, तो जो तीसरा भाई था वो भी मेरे पास आ गया, कहने लगा भाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कोई मेरा गला दबा रहा है। तो मैं शॉक। अब ये दूसरे भाई ने बोला? जी, दूसरे भाई, वो दूसरी जगह सो रहा था, वो उससे सेपरेट सो रहा था। उसने कहा कि मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मतलब उसने मुझे कहा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। तो हम तीनों बैठकर एक दूसरे की, मतलब तीनों शक्ल देखने लगे कि हुआ क्या है। अब वो जो भाई जिसने गेट खोला था वो मुझे कहने लगा यार तुम पता नहीं क्या चीज लेकर आए हो अपने साथ, एक तो इतनी लेट नाइट आते हो, पता नहीं क्या लेके आए हो, और जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन है। खैर मैंने कहा सो जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, देख लेते हैं, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो, सो जाओ। तो जब हम तीनों सोए तो 5-10 मिनट बाद, मतलब मुझे भी हल्की सी, क्योंकि मैं थका हुआ था तो मेरी आंख लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। अब मैं भी बैठ गया उठ के कि ये क्या चीज़ हो रही है कि मेरे, अब वो दोनों सो रहे हैं और मैं बैठा हुआ हूँ कि अब मेरा कौन गला दबा रहा है। खैर मैं अम्मी के पास गया, मैंने कहा अम्मी इस तरह की सिचुएशन हुई है और मैं, ऐसा लग रहा है कि कोई हम दोनों भाइयों का कोई गला दबा, अभी उन दोनों का कोई गला दबा रहा था, अब मेरा कोई गला दबा रहा है। तो खैर अम्मी रूम में आई और जो हमारा एक कॉमन रूम होता है वहाँ उन्होंने गेट वगैरह खोल के, उस वक्त ये टाइम अब फजर के करीब होता जा रहा था, यानी कि शायद कोई आधे घंटे या 15 मिनट बाद फजर की अजान की सिचुएशन बन रही थी। तो अम्मी ने गेट खोल कर जो है वो, अम्मी ने कहा कि भाई जो कोई भी है, अगर कोई आ गया है हमारे घर में तो बराए मेहरबानी वो चले जाए, हमें तंग ना करे। इस तरह की अम्मी ने कुछ चीज़ें कही थी। और अम्मी जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी नमाज वगैरह सारी चीज़ें करती हैं, अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें होती हैं। तो अम्मी ने फिर चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। अम्मी ने कहा बेटा आप लोग एक काम करें, नमाज़ पढ़ने जाएँ सब, और मतलब वहाँ पे जो है ना जाकर आप अपनी नमाज वगैरह की एक्टिविटी करें। तो बहरहाल हम, अजान हो गई थी थोड़ी देर में, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चला गया, मेरे छोटे भाई भी चले गए सब साथ। तो हमने जाके वहाँ मस्जिद के इमाम साहब से भी चीज़ डिस्कस की कि इस तरह की सिचुएशन हुई है। मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि मैं रात में ट्रैवल करके आया हूँ किसी जगह से और मुझे इस तरह की फीलिंग हुई कि मेरी बाइक भी भारी थी। तो उन्होंने ये बात कही कि हो सकता है आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ आ गई हो जो कि कहते हैं हवा में, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके साथ आ गई है जो जिसने आप सबों को जो है वो तंग किया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ें। और उन्होंने कहा कि वो एक मंजिल होती है, वो कहना है कि आप इस मंजिल पढ़ें। तो बहरहाल हमने वो चीज़ें पढ़ी। उसके बाद से इस तरह की कोई सिचुएशन, मतलब कोई इस तरह की चीज़ हुई नहीं हमारे साथ, लेकिन वो ये जो रात में ये सारी चीज़ें हुई वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमें प्रॉब्लम में आ गए थे। बस ये चीज़ थी नाजू। ओके चले, थैंक यू फाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू नाजू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले जनाब बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। ये वाकया आज से 6 साल पहले का है। गर्मियों की एक रात थी, सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे घर वाले अपनी चादरें तकिए संभालते हुए नीचे चले गए, मगर मेरा भाई, उसकी एक आदत थी कि वो चारपाई के नीचे का गद्दा अपने ऊपर डालकर हल्की बारिश में भी सोता रहता था जब तक तेज़ बारिश ना शुरू हो जाए। उस बारिश की रात सब घर वाले नीचे जाकर सो चुके थे, जबकि भाई हल्की बारिश में गद्दा अपने ऊपर डालकर छत पर ही सो रहा था। आधी रात का वक्त था, भाई नींद की हालत में थे कि उन्हें अचानक 2 बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाज़ आई, जो कि छत की 4 दीवारी पर छलांगे लगा रही थीं और बहुत भयानक आवाज़ें निकाल रही थीं। उन बिल्लियों के रोने की आवाज़ सुनकर भाई बेचैनी में जाग गए। भाई ने पहले सोचा कि कोई जूता उठाकर मारूं ताकि उनको भगाया जाए, लेकिन फिर अचानक खामोशी छा गई और भाई दोबारा नींद की हालत में चले गए। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख भाई की चारपाई के नीचे से आई और वो उछल कर बैठ गए। खुद को नॉर्मल करते करते भाई ने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था, कोई बिल्ली नहीं थी। वहम समझकर वो दोबारा लेट गए सोने के लिए। दोबारा आंख तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ आई और वो भी कान के बिल्कुल पास। भाई ने जब गौर से देखा तो वहाँ कोई बिल्ली मौजूद नहीं थी। जब भाई राइट साइड पे देखते तो उनको वो आवाज़ लेफ़्ट से आने लगती और जब लेफ़्ट साइड देखते तो राइट से आने लगती। फिर दोबारा उनको बहुत शदीद गुर्राहट की आवाज़ अपने पीछे से सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे देखा तो खौफ से उनका बुरा हाल हो गया, क्योंकि दीवार पर अब बिल्ली नहीं थी, एक इंतहाई भयानक दिखने वाली कोई और ही मखलूक थी जिसके नोकीले दांत थे, नाक लंबी और टेढ़ी थी, उसकी पुश्त काले लंबे बालों से कवर्ड थी, उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे लाल रंग के दो अंगारे, और वो इस तरह खड़ी थी जैसे अभी छलांग लगाकर दबोचने वाली हो। भाई ने हिम्मत जमा की, सीढ़ियों की तरफ भागे और सब घर वालों को चीख चीख कर आवाज़ें लगाने लगे। अम्मी, अबू, भाई सभी अपने कमरों से बाहर आ गए। भाई नीचे उतरते साथ ही गिर के बेहोश हो गए। काफ़ी रातें सो नहीं सके क्योंकि उनको ख्वाब में वही मखलूक नज़र आती। नींद पूरी ना होने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। उसके बाद से घर के अंदर ही अजीब और गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। कभी खाली बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता, किचन में सिंक के टैप खुद ब खुद खुल जाते, कभी फर्नीचर खुद ही एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता। चीज़ें एक जगह रखते लेकिन मिलती दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। तकरीबन 6 महीने ये सब हमारे घर में होता रहा। फिर हमें एक मौलवी साहब ने दम किया हुआ पानी दिया जिसका हमने पूरे घर में छिड़काव किया। वो मौलवी साहब अक्सर दम दुरूद के लिए हमारे घर भी आ जाया करते थे और आखिरकार हमारी उस मखलूक से जान छूट गई। इसके बाद भाई ने बारिश के मौसम में छत पर सोने से हमेशा के लिए मना कर लिया, तौबा कर ली। लेकिन आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो मखलूक आखिर क्या थी और क्यों उस जगह पे मौजूद थी। ऑलराइट, चलें जी, अभी 3 घंटे हमारी स्ट्रीम होने में बस 10-12 मिनट रह गए, तो हमारे शो को ख़त्म होने में 10-12 मिनट रह गए। एक दफ़ा से दोबारा से अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जो लोग हमें अपनी ईमेल भेजना चाहते हैं वो ये स्क्रीन पे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपनी ईमेल भेज सकते हैं। जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमें सुपर चैट और सुपर स्टिकर के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान में प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग हमें इजी पैसा और जैज़ कैश के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आज की एपिसोड हमारी पसंद आई लेट नाइट हॉरर शो की, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक करने से हमें ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है कि हमारी चैनल की जो है रीच बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खैर जी, बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलर्स की तरफ। सैयद साद अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। होपफुली अदनान को आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अदनान, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो नहीं आ रही। सैयद साद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। एमर की भी नहीं आएगी, सिर्फ दुरिया इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरिया, दरिया, आपको आवाज़ आ रही है? इनको भी नहीं आ रही। चलें, कोई बात नहीं। एमर ने दोबारा ज्वाइन किया है, होपफुली एमर को आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एमर। हेलो नहीं आ रही आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम अदनान, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। अदनान, या तो आपका माइक म्यूट हुआ है या आपने सेटिंग चेंज की हुई है। आपकी सेटिंग सही नहीं हुई हुई भाई, सेटिंग ही सही नहीं हुई हुई आपकी शायद। ओके आज के शो में हमने मुख्तलिफ वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर किए। हो सकता है कि डरावने ना हो, कोई वो वाले ना हो कि वाह जिन आ गया और वाह खा लिया और वो गायब कर दिया और भूख और ये वो, लेकिन शुरू के वाक़यात जो थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। होपफुली आप लोगों को पसंद आए हो। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जाते जाते लास्ट कॉलर्स को शामिल कर लें। समी, होपफुली समी को आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम समी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? नहीं आ रही, नहीं आ रही आपकी आवाज़। चलें इतनी देर में ज़रा लोग ज्वाइन इन करें दोबारा से। कमल सलाम, थैंक यू। डब्ल्यू जे, थैंक यू। शाहजेब आरिफ, आपका शुक्रिया। नवीद, थैंक यू सो मच। अहमद सिद्दीकी, आपका भी शुक्रिया। अलवीना, बहुत शुक्रिया। यास्मीन, थैंक यू। राशिद, बिस्मा, मोहम्मद आमिर, मुनज़्ज़र जलील, सुदेश, दानियाल, शाहजेब, हेरा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने का। अच्छा जी, अभी ज़रा लोगों ने ज्वाइन इन कर लिया है, चेक करते हैं आवाज़ें आ रही कि नहीं आ रही। अदनान, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मिनाज, अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी परफेक्ट। जी अदनान, किधर से कॉल कर रहे हैं? जी मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ। मैं दो दफ़ा कॉल कर चुका हूँ आपके शो में। अच्छा बताइए क्या वाक़या है? मिनाज, लास्ट टाइम मैंने एक वाक़या सुनाया था अपने आपके शो में कि मैं और मेरी एक सिस्टर जो है हम लोग सिपारा पढ़ने जाया करते थे और एक होल से हमने देखा था, याद है आपको? जी जी बिल्कुल अच्छा, याद है। काफ़ी उस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि वो आपने एक बताया था ना कि पेंसिल, मैंने बताया था कि वो पेंसिल उसके उनकी फिंगर्स में दबाई भी थी यूँ करके ऐसे, बिल्कुल। तो वो काफ़ी जो है ना क्यूरीज आई थी कि ये पेंसिल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये वाक़या मैंने शेयर किया था अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों से जब हमारी कभी बात होती थी इस तरह। तो वो इसके बारे में बताते थे कि ये जो जिन होता है ना उसको काबू करने के लिए, और बालों में गिठान लगाई हुई थी उस लेडी के ना, तो वो जिन को काबू करने के लिए यानी कि कुछ ये जो होते हैं ना, तो वो ये कॉन्सेप्ट था उसका कि उसको ये फिंगर्स में जो है उसके पेंसिल और बालों में गिठाएं वगैरह लगाई हुई थी और वो उस औरत का जिन निकाल रहा था वो जो है शाजी। तो इसलिए मैंने कॉल की थी। और एक छोटा सा वाक़या है, थोड़ा सा प्रोग्राम के हट के है, थोड़ा सा फनी भी। अगर प्रोग्राम से हट के तो नहीं करें वो, फिर हम जैसे नॉर्मल जब कल करेंगे ना, कल वाला शो हमारा नॉर्मल शो होगा तो आप उसमें करेगा, सही है। चलें एक और वाक़या है, थोड़ा सा हॉरर है अपना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो जिन नज़र आया, लेकिन ये कि हम मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा था, हम लोग यहाँ से पंजाब गए। तो वहाँ पे मिनाज हमारे जो है मेरे ननिहाल हैं, तो मैं उधर हम लोगों ने स्टे किया। तो अच्छा फिर हम लोगों ने आगे मेरे कुछ कज़न रहते हैं, वो तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर का रास्ता है और वो रास्ता जो है ना बहुत ये सिंगल रोड है और दोनों तरफ जो है ना दरख्त, ऐसे झुके हुए दरख्त, तो बिल्कुल यानी कि ना बंदा ना बशर, और मतलब बहुत कम या तो कोई गाड़ी आ जाए वहाँ से, या मतलब बहुत सन्नाटे वाला रोड है सही। तो बिना जो मैंने जाके ना क्या नाम है मामू से कहा कि यार मुझे ना उनसे मिलने जाना है, थोड़ा सा करीब ही है तो मैं हो के आ जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे बाइक दे दी, उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन ना मगरिब से पहले आ जाना वहाँ से ना। मैंने कहा खैरियत है। अच्छा मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया क्योंकि मैं वहाँ पे आउट मेरा निकलना कम ही होता है और अकेले इस तरह फैमिली को लेके, मेरा एक बेटा बैठा हुआ था आगे और मेरी वाइफ पीछे बैठ गई और मैं निकल पड़ा। खैर मैंने उनसे पूछा 2-3 दफ़ा, कह रहे नहीं बस तुम मगरिब से पहले पहले कोशिश करना कि आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं निकल पड़ा। खैर मिनाज वहाँ पे हम लोगों को क्योंकि मेहमान गए हुए थे तो काफ़ी टाइम उन्होंने लगा दिया, चाय पानी ये वो, 2-3 घरों में हम मिल मिला के हम लोग इतने में बारिश हो गई और मैं वापस आ रहा था और हल्का अंधेरा शुरू हो गया। अच्छा मिनाज हम लोग जब वापस आ रहे हैं तो हुआ ये कि बारिश की वजह से अब वो बाइक भी नहीं चल रही है क्योंकि मैं बीच में पहुंच चुका हूँ, ना पीछे जा सकता हूँ वापस, ना आगे जा सकता हूँ कि मैं स्टे ही कर लूँ उनके घर पे जिधर मैं गया था। खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके बाइक चलाना शुरू कर दी और इतनी तेज़ बारिश, फिर वो एक रास्ते में पंप भी आया, मैंने उसके शेड के नीचे थोड़ा सा स्टे किया। खैर बारिश रुक गई, पानी बहुत खड़ा हुआ था। अच्छा वो अंधेरा इतना खूब हो गया कि मेरी बाइक की बैक लाइट पीछे नज़र आ रही है और मेरी वाइफ कह रही है अदनान मुझे ना पीछे देख के ना बड़ा खौफ आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कुछ नहीं है, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो, कुछ नहीं है। तो वो सन्नाटे वाला रोड और कोई ना गाड़ी आ रही उस रोड पे, ना कोई कोई बंदा, ना बशर, ना कोई बाइक सिवाय मेरी बाइक के। इस तरफ भी महाराज खेत, इस तरफ भी खेत, और वो बहुत खौफनाक रोड था इन्हीं के। अच्छा वो ये हम लोग अभी इसी उसमें थे, थोड़ा सा खौफ हम पर दारी शुरू हो गया। तो अच्छा मेरी बाइक की लाइट में ना सामने से ना राइट साइड से एक वो जो जानवर नहीं होता जिसका नाम लेने से कहते हैं सब जुबान भी ना पाक जाती, पिग, सुअर, सुअर। हाँ हाँ जी, आपने नाम ले लिया। खैर राइट साइड मुझे नहीं लगता नापाक होती, पता नहीं किसने फैलाई हुई बात। अगर इतनी नापाक होती तो अल्लाह ताला उसको पैदा ही क्यों करते? उसका तो नाम लेने से कैसे नापाक हो सकते भाई? कैसे बोलेंगे कि ये हराम है? अब कैसे बोलेंगे किसी को कि हराम है? कैसे नाम लिए बगैर तो नहीं बोल सकते हराम जानवर है कहते हैं। खैर वो एकदम से ना मेरे राइट साइड से निकला और लेफ्ट साइड पे खेतों में घुस गया और मेरा बेटा आगे बैठा हुआ था तो उसकी चीख निकल गई। उसने कहा यार पापा ये क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं तुम डरो नहीं। तो इतने में ना वो पीछे से यानी कि मुझे वो जब ये वो हुआ ना तो पीछे से उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो हम पे ना और डर, हम लोग ना डरना शुरू हो गए। वो कुत्ते भौंकना शुरू हो गए ज़्यादा से इतना यानी कि झुंड पूरा यानी कि हमें नज़र नहीं आ रहा है लेकिन हमारा पीछा कोई कर रहा है और शोर मचा रहे हैं जानवर ना। और उन लोगों ने ना हमें यानी कि मैंने आज बाइक बहुत तेज़ कर दी, हालांकि पानी वानी खड़ा हुआ था और गड्ढे भी थे उस रोड पे, लेकिन मैंने बाइक तेज़ कर दी। अच्छा हुआ ये कि उस बाइक तेज़ करने से ना मेरी जो बाइक की चेन कवर होता है ना जो वो टूट गया और वो चेन में एकदम से टायर में कट 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 कट। अच्छा वो मुझे फिर रुकना पड़ गया मजबूरन। और इतना यानी कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, इतना मेरी फैमिली खौफजदा हो गई और मुझे वहाँ पे रुकना पड़ गया। वो कैसे मैंने उसको अलग किया और मैंने उसको अलग करके यानी कि अलग से बांधा और मैंने बाइक को कैसे, ये जो टाइम मैंने वहाँ काटा है ना यानी कि खड़े खड़े, और मैं चारों तरफ मेरा यानी कि मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई है और चारों तरफ वो हम लोग डर रहे हैं कि कोई भी यानी कि हम पे अटैक ना कर दे क्योंकि ये जानवर इंसान में। आप जानवर का नाम ले सकते हैं, अगर आप वो वाला नाम लेना चाह रहे सुअर तो आप वाइल्ड बोर कह दें, इस पे कोई मसला नहीं होगा। जी जी यही। और वो कुत्ते भी थे, मतलब सुअर भी कुत्ते भी, यानी कि हमें कुछ आइडिया नहीं था कौन कहाँ से हम पे अटैक कर दे। और मतलब यानी कि मैं वो हम लोग मेरी फैमिली इतना मैंने बड़ा उनको यानी कि वो टाइम जो था मैंने फैमिली को भी अपने संभाला, अपने बेटा कुछ नहीं। और उस साथ में अपनी बाइक को देख रहा हूँ, मैंने उसका वो जो है चेन कवर जो लटक गया था टायर में फंस गया था उसको कैसे मैंने निकाला और उसके बाद उसको मैंने अलग से बांधा और मैंने फिर बाइक फैमिली को उठाया। खैर मैं कैसे तैसे करके एक छोटा सा गांव आता है तो वहाँ पे एक पंचर शॉप थी तो मैंने उसको, क्योंकि अभी भी कुछ लूजनेस थी और साइड का जो स्टैंड था वो भी लटक गया था, तो मैंने फिर जाके उससे प्लास वगैरह लेके कुछ करा के अपना यानी कि जुगाड़ जिसे कहते हैं ना वो करके मैं अपना वहाँ तक पहुँचा। तो वो मतलब वो मैंने फिर जाके अपने मामू को बताया, मैंने कहा यार आपने मुझे सही कहा था कि यार ये मगरिब क्यों कहता है। तो मैं वो मुझे फ़ोन भी कर रहे थे और वहाँ सिग्नल नहीं थे, कह रहे मुझे पता था ये मसले मसाइल यहाँ होते हैं तो तुम जो है ना शुक्र करो तुम्हें और कुछ नहीं दिखा। तो अच्छा। ये चीज़ें होती हैं, तुम ज़रा ना मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था मगरिब से पहले आ जाओ, तुमने तो लापरवाही की। तो खैर ये वाक़या था मिनाज, और अपना ख्याल मिनाज मैंने आपको एक टेप भेजी है वॉइस टेप, वो मेरा एक वाकया है अगर जब आपको टाइम मिले। वो मैंने सुना और सुने उस वाकये में कोई 16 मिनट का तक का वो आपने वाकया भेजा मुझे याद है, और 16-15 मिनट और 45 सेकंड तक उसके अंदर कोई जिन भूत हॉरर स्टोरी थी नहीं, वो तो आपका मुझे लग रहा था वहम था बस। नहीं मिनाज मैंने आपको उसमें गौर से सुनिएगा। अच्छा मैं दोबारा गौर से सुनूंगा जब मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा हूँ ना। हाँ मुझे याद है पूरा वाकया, पूरा याद है वाकया, अभी नहीं बताया वरना लोगों तक पहुँच जाएगा। चले जैसे आपको सही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म और जाते जाते एक भाषण देने का टाइम आया। सही है। और आप, मुझे मालूम है कि मेरा भाषण ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। यार क्या मिनाज भाई भाषण देने लग गए, भाषण देने के लिए थोड़ी आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं मिनाज भाई। तो सुन लो भाषण थोड़ा सा भाई। अभी इससे 2-3 साल पहले मैं जब पहाड़ों पे गया तो सर्दी थी, बर्फ़बारी नहीं थी, तो और हम थे पता नहीं किधर, कौन सी जगह थी वो, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही। तो दोपहर के टाइम पे खाने के लिए रुके हम लोग। एबटाबाद था, नहीं एबटाबाद नहीं था, पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो हम दोपहर के खाने के लिए रुके, मैं और सना और हमारा चिन्नू मिन्नू, सही है। हम लोग खाना खा रहे तो अचानक से मैंने वो जो रेस्टोरेंट था वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ था और वो शीशे का बना हुआ था तो बाहर सब नज़र आ रहा था। तो बिल्कुल उसके सामने एक आर्मी का एरिया था और वो आई थिंक आर्मी का मेस था जहाँ पे रिहाइश लोग कर सकते थे। तो खाना आने में टाइम था 1-1.5 घंटा, उन्होंने कहा कि 1 घंटा लगेगा बनने में और ये वो फलाना। तो मैंने कहा चलो ना लाओ, तुम नीचे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमाता हूँ ऐसी जगह। तो हम लोग ऐसे ही नीचे घूम रहे थे तो सामने वो सिपाही खड़ा हुआ था। उसने देखा कि मैं बच्चे के साथ हूँ तो उसने कहा कि साहब अगर आप अंदर देखना चाहते हैं, अंदर हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है। तो मैंने कहा हाँ चलो देखते हैं, हम भी तो देखें, हमें तो हम हमारे एरिया में तो आ जाते हैं, हम इनके एरिया में नहीं जा सकते। खैर हम उसने दरवाज़ा खोला और हम चले गए अंदर। तो अंदर एक बहुत वो पहाड़ी के ऊपर कोने पर वो जगह बनी हुई थी और कमरे बने हुए थे और बहुत वो जैसे फ़ौजियों का इलाका होता है, साफ़ सुथरा और सब। खैर जिस जगह पे हम खड़े हुए थे उससे नीचे खाई थी, जंगल का एरिया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि आवाज़ें आ रही ना, तो फौरन बंदे की नज़र जाती है उधर की क्या आवाज़ आ रही है। तो देखा वहाँ पे ना छोटे छोटे सुअर के बच्चे सही, छोटे छोटे, इतने नहीं, मतलब ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही बेबी पिग्स जो होते ना वो। अच्छा जब वो बेबी पिग नज़र आए तो मैं ज़रा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा नाइल वो देखो वो पिग है और ये वो नाइल भी देखने लगा। तो वो सिपाही जो था गेट पे खड़ा वो भागता हुआ, उसने कहा भाई आप ज़रा थोड़ा सा फासले पे हो जाएं क्योंकि ये अकेला नहीं होगा, फैमिली होगी और ये बड़े डेंजरस होते हैं वाइल्ड बोर्स। तो यही हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो पापा सुअर, मामा सुअर, सिस्टर सुअर सब आ गए ना, पूरी फैमिली आ गई हैं करती हुई, कुछ कचरा खा रहे, कुछ कर रहे। खैर वो देख दिखा के हम लोग वापस, 0.5-1 घंटा लगा होगा, फिर हम लोग ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। जब रेस्टोरेंट पे जाके खाना शुरू किया तो मैंने देखा कि नीचे रोड पे ना एक्टिविटी हो रही है, लोग भाग रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह रहम करे क्या हो गया। ऐसी चीज़ें तो सिर्फ हमें कराची में दिखती हैं कि मोबाइल चोरी हुआ और फिर पीछे भाग रहे होते हैं, अबे पकड़ो को ये मोबाइल चोर है। तो मैं खाना वाना खा के जल्दी से नीचे पहुंचा, मैंने कहा कोई कहानी है, कोई गॉसिप है, ज़रा मिलेगी तो पता चलेगा। तो मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो वो लोग जो है ना डंडे लेके, अच्छा छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब 10-12 साल के बच्चे भी और बड़े भी, वो भाग रहे हैं डंडा लेके। कहीं डंडा लेके कहाँ भाग रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे गया तो वो आपस में बातें करें कि वो सुअर इधर आ जाएगा, वो सुअर इधर आ जाएगा, हम इसको मार देगा, हम इसको मार देगा। और छोटे बच्चे, छोटे छोटे सुअर भी थे, बड़े बड़े सुअर भी थे, उनके बीच में इंसानी सुअर भी थे। अब वो डंडे लेके उसको मार रहे हैं। तो मैंने एक बंदे से पूछा मार क्यों रहे हो उसको। कह रहे हैं ये हराम है, हराम है। मैंने कहा हराम है इसका ये मतलब तो नहीं अल्लाह ताला ने इजाज़त दी थी कि उसको मार दो। अच्छा अब ऐसे इलाके में मैंने बोल तो दी बात, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर भी लगा। मैंने कहा ओहो यहाँ पर ना बोले भैया। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ भाई, एक चीज़ को हराम करार दिए, खाने के लिए हराम किया, ये नहीं बोला अल्लाह ने कि मार दो उसको, डंडे लेके पहुंच जाओ, आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी नस्लें बर्बाद की हैं। भाई इसने क्या नस्लें बर्बाद कर दी, इस बेचारे ने क्या किया। वो छोटे बच्चों को भी मार रहे हैं। अच्छा और ये नफरत, आपने बताने का मकसद ये कि ये नफरत बड़ों में नहीं थी, सिर्फ बड़ों में नहीं थी, बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो गई थी। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ किस तरीके से माइंड को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है कि जैसी वाली बात कि सूअर का नाम ना लें। कैसे ना लें भाई, अगर एक चीज़ फॉर एग्जांपल चलें, एक बंदा हमारे सामने मुसलमान बैठ के सूअर का गोश्त खा रहा है तो उसको मैं कैसे बोलूँगा कि ये हराम है। क्या क्या हराम है? मैं हराम हूँ कि नहीं? भाई ये जो खा रहे हो, क्या खा रहा हूँ मैं? सब्जी नहीं, सब्जी नहीं, वो जो इसके बराबर में टमाटर नहीं, नहीं टमाटर नहीं बे, आलू, अबे आलू भी नहीं बे, अबे ये, अबे ये। बोल ही नहीं पाएंगे जोर। जब कुरान में आ गया इसका लफ्ज़ तो ये कैसे हो सकता है? आज तक हमने कभी सवाल नहीं उठाया ये कि भाई कैसे हो सकता है कि सूअर का नाम लें और 40 दिन की नमाजें गायब हो गई। और फिर नफरत इतनी कि उसको मार दो, फिर जब सूअर अटैक करेगा तो कहेंगे कि सूअर ने अटैक कर दिया। अबे जो तुम अटैक कर रहे थे उस पर तो सूअर भी तो कह रहा होगा ना, देखो सूअर आ गया। सूअर कहता होगा अपनी फैमिली से, बच्चों बच्चों बैठो बचो, बड़े सूअर तो ये सामने खड़े हुए। तो यार हराम करार देने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास राइट है मार दें आप किसी को। जरा अपनी सोच, अपने मजहब के बारे में नॉलेज को खुद हासिल करने की कोशिश करें। अम्मा ने बताया, अब्बा ने बताया, दादा ने बताया, मौलवी साहब ने बताया, उनके ऊपर ना ज़्यादा रिलाई करें, खुद पढ़ें। समझ लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। खैर जनाब, भाषण ख़त्म होता है। 6 मिनट हमने आपके इस तरह लिए, अच्छा लगा मुझे, मेरे दिल की बात निकल गई। आपको अच्छी लगी ना लगी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, फ्रेंकली स्पीकिंग। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो टुनाइट। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग अभी तक सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप लोग भी सवाल उठाते रहेंगे। ये प्रोग्राम, हॉरर स्टोरीज़, जिन, भूत, ये सब तो होता ही है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको इस शो से कुछ मैं दे के चला जाऊँ। तो कुछ एक, हमेशा एक थॉट देने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं होता कि आप इसको फॉलो करना शुरू कर दें, लेकिन सोचना शुरू कर दीजिए, बहुत मदद मिलेगी आपको, आपको भी और आपकी आने वाली जनरेशन को भी। अगर आपको ये लगता है कि एक बंदे से क्या होता है, मिनहाज भाई यहाँ तो सब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो आपकी सोच गलत है। एक बंदा सब चेंज कर सकता है, एक लड़की पूरी जनरेशन चेंज कर सकती है, तो एक मर्द भी कुछ ना कुछ तो कर सकता होगा ना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी, और कल संडे है तो थोड़ा सा हम लाइट हार्टेड रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल आप हमारा शो सुनेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, अभी तक नहीं किया, मुफ्त में देखे जा रहे हो। अबे लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आई, आज का एपिसोड पसंद आया, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एंड में सिर्फ वही बात कहना चाहूँगा कि हंसी मजाक में तो ये सारी बातें इधर उधर हो जाती हैं। किसी ने अपना वाक़या सुनाया, आपने उसका मजाक उड़ाया, आपको हंसी आई, आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको हंसी आई, और आपको लगा कि आपने किसी का मजाक बना के दूसरों को हंसा के अच्छा काम किया। अब आपको एक बात नहीं मालूम, वो ये कि जिस जगह पे आप अभी बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो कमरा हो, ऑफिस हो, गाड़ी में बैठे हुए हों, दोस्तों के साथ हों, आपको नहीं मालूम कि आपके इर्द गिर्द ये मखलूक मौजूद है कि नहीं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मखलूक आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है। और अगर आपको इस बात की तस्दीक करनी है तो वो सब कुछ करके देख लीजिए जिससे मना किया गया है। चैलेंज कर लें, आज सोने से पहले बोल दें कि अरे कोई माइकलाल जिन है तो सामने आए। बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ना आप, तो ये भी करके देख लीजिए। क्या पता जब आप रात को सो रहे हो और उस कमरे में जहां आप लेटे हुए हैं चारों तरफ अंधेरा हो, खामोशी हो। तो उस अंधेरे में आपको अचानक से किसी के बातें करने की आवाज आए, या फिर अपना नाम सुनने की आवाज आए, या फिर सामने लगे हुए पर्दे के पीछे या उस दरवाजे के पीछे या शायद अलमारी की तरफ आपको कोई मखलूक दिख जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? कल मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।